नमस्कार। आज की कक्षा में चार बची हुई कहानियां हमारे चर्चा के केंद्र में रहेंगी। आज जिन कहानियों पर हम चर्चा करेंगे उनके नाम हैं ठेस। ठेस नामक कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद जिस कहानी पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है परिंदे, जिसके कथाकार हैं निर्मल वर्मा। उसके बाद वापसी, जिसके कथाकार हैं उषा प्रियंवदा। और आखिरी कहानी जिस पर हम इस चर्चा का समापन करेंगे वो कहानी है पिता। कल हमने आपके साथ चार कहानियों पर बात की थी और जिन कहानियों पर कल हमने चर्चा की थी वो कहानियां थी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद, कफन, प्रेमचंद और परमात्मा का कुत्ता, जिसके लेखक मोहन राकेश थे। आज की कहानी में हम शुरुआत करते हैं, मतलब आज की कक्षा में पहली जिस कहानी को हम ले रहे हैं उसका नाम है ठेस। ठेस का मतलब होता है किसी चीज से चोट पहुंचना, किसी का आहत होना। किसी को बात की भी चोट लग सकती है, किसी चीज से भी चोट लग सकती है। तो ये इसलिए इसका नाम ठेस है। और इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी को अगर संक्षेप में हम समझें तो यह कहानी बिहार की पृष्ठभूमि में लिखी हुई कहानी है, जिसमें चिक और शीतल पाटी, शीतल पाटी मतलब जिसको मेट कहते हैं, एक प्रकार की घास होती है जिसको मोथी या मोथा कहते हैं उस इलाके में, उसकी चटाई बनाते हैं मेट, जिस पर सोने से या बैठने से गर्मियों में बहुत राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। उस कहानी को शीतल पाटी कहते हैं। उस शीतल पाटी बनाने वाले जो कारीगर है उसके आत्मसम्मान को जो ठेस लगती है, जिससे वो आहत होता है, इस कहानी का वही विषय है। इसका जो नायक है, जो इस कहानी का हीरो है, वो है सिरचन, जो चिक बनाने का काम करता है। वह अपने काम में इतना अच्छा है, इतना एक्सपर्ट है कि लोग उसी से चिक बनवाना पसंद करते हैं, वो मैट बनवाना पसंद करते हैं। और इस बात का एहसास सिरचन को भी है कि उसके काम को लोग पसंद करते हैं। वह जिस भी घर में जाता है ये बनाने के लिए मैट, उस घर के लोगों से वह यह उम्मीद करता है कि लोग उसके काम को सम्मान की नजर से देखें और इसको जांचने का उसका तरीका एक अलग तरह का है। जैसे कि उसके काम को पसंद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको चेक करने के लिए, इसको जांचने के लिए वह यह लोगों से उम्मीद करता है कि उसके जो पसंद की खाने पीने की चीजें हैं वो उसे लोग दें खाने के लिए और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। लेकिन इस कहानी में जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देता है। रेणु ने इस कहानी के माध्यम से एक कलाकार के काम के महत्व को और उसकी भावनाओं को कहानी का विषय बनाया है। कोई काम अपने आप में न तो छोटा होता है, न कोई काम बड़ा होता है, और न कोई कला छोटी होती है न बड़ी होती है। कोई भी व्यक्ति जो अपने काम को अपने पूर्ण समर्पण और पूर्ण कौशल के साथ करता है, उसको यदि वह उम्मीद करे कि उसको उसके काम का उचित मूल्य मिले, उचित पैसा मिले या सम्मान मिले, तो जाहिर है कि उसके ईगो का हर्ट होना स्वाभाविक है। जो रिटर्न है उसके कला के बदले में वो सिर्फ पैसों से नहीं होता है कि आपने किसी को पैसा दे दिया हो गया। आपने उसके साथ अगर प्रॉपर बिहेव नहीं किया, उसके ईगो को हर्ट कर दिया, तो पैसा कोई मतलब नहीं रखता है। यही दरअसल इस कहानी का विषय है। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बता दूं।
फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले, जब फणीश्वरनाथ रेणु पैदा हुए थे तो अररिया नहीं था जिले का नाम, उस समय पूर्णिया जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन पूर्णिया जो है बड़ा जिला था तो उससे एक छोटा जिला काट करके बनाया गया अररिया। उसी के तहत औराही हिंगना नाम के गांव में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। अलावा इसके 1950 में नेपाल में जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि जो अररिया है बिहार का जिला वो भारत का सीमावर्ती जिला है, अररिया के बाद नेपाल है, उसके बाद अररिया के बाद भारत का कोई जिला नहीं है, वो बॉर्डर वाला जिला है। तो रेणु के लिए नेपाल बगल में था, तो उन्होंने नेपाल के लोकतंत्र में भी सक्रिय भागीदारी की थी। और एक उनकी मशहूर कहानी जो है उसका नाम है तीसरी कसम, जिस पर तीसरी कसम नाम से 1966 में फिल्म भी बनी थी और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म के गीतकार थे शैलेंद्र, और इसको निर्देशित किया था, इसके डायरेक्टर थे बासु भट्टाचार्य, और इसके नायक थे राज कपूर और नायिका थी वहीदा रहमान। ये फिल्म काफी चर्चित हुई थी और ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर ये फिल्म बनी थी। उनका मशहूर उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल को हिंदी का आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है, तो ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचनाएं हैं। थोड़ा सा और हम इस ठेस कहानी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम अगली कहानी पे बात करेंगे। इस कहानी कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती ही नहीं करते, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए उसे कोई बुलाने नहीं जाता है। क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, आज सिरचन को मुफ्त खोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़ैया मतलब होता है झोपड़ी, हट। लोग उसे पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे, अरे सिरचन भाई अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है, सारे इलाके में तो एक तुम ही हो, एक दिन का भी समय निकालकर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। इस तरह से इस कहानी की पूरी शुरुआत होती है, और उसके कला के महत्व को जो चाहने वाले लोग हैं उससे इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है। वो बाद में आप देखेंगे कि एक जगह जो इस कहानी का शीर्षक ठेस है, एक गांव में वो जाता है चिक बनाने के लिए, तो वहां पर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, वो पान खाने के लिए मांगता है तो उसको कोई पान नहीं देता है, चाय पीने के लिए चाय मांगता है तो उसको चाय नहीं दिया जाता है, तो इससे वो अपना इंसल्ट समझता है, और उसके बाद हर्ट होने के कारण वो यह तय करता है कि अब आज के बाद वो ये काम नहीं करेगा, अब वो इस काम के बजाय कुछ और काम कर लेगा, क्योंकि जिस काम में इज्जत ना हो उस काम को करके क्या फायदा है। सिरचन ने काम क्यों छोड़ा, यह बताने के लिए कथावाचक अपने परिवार की घटना सुनाता है। इसमें एक घटना सुनाता है, वो घटना ये है कि सिरचन जो है वो चिक और शीतल पाटी बनाने के लिए लोगों के घर जाता था पहले। इसी सिलसिले में वह जो कथावाचक है, यानी जो इस कहानी का नैरेटर है, जो इस कहानी को सुना रहा है, उसके घर भी जाता है। कथावाचक की बहन मानू की शादी के बाद पहली बार
ससुराल जाने वाली है, मानू के ससुराल वालों ने यह मांग रखी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली आवे चाहे ना आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियां के बिना आएंगी मानू तो? इस कथन से यह स्पष्ट है कि मानू को चिक और शीतल पाटी अपने साथ ले जानी ही होगी। इसका कारण यह है कि सिरचन की हाथ की बनी हुई चिक और शीतल पाटी की ख्याति मानू के ससुराल तक पहुंच चुकी है। चिक और शीतल पाटी बनाने के लिए ही मानू की माँ ने 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर इस काम में लगा दिया था। लेकिन सिरचन इस संसार में अकेला है, उसकी पत्नी और बच्चों का पहले ही देहांत हो चुका है, वह अपने को इन्हीं कामों में पूरी तरह से डुबाए हुए रखता है। मानू के परिवार वालों से सिरचन का पुराना संबंध है, इसलिए वह भी खुशी खुशी मानू के लिए चिक और शीतल पाटी बनाने को तैयार हो जाता है। लेकिन उस घर में उसकी न केवल अपेक्षा अनुसार खातिरदारी नहीं होती, बल्कि मानू की जो मझली भाभी है और चाची है, वह सिरचन को जली कटी सुनाते हैं। चाची की बात से तो वह इतना नाराज हो जाता है कि काम को अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। कथावाचक इस बात को जानता है, यानी जो नरेटर है इस कहानी का, वो इस बात को जानता है कि यदि सिरचन के मन को ठेस लगेगी तो वह काम को बीच में ही छोड़कर चला जाएगा और फिर उसको दोबारा काम पर बुलाना असंभव होगा। और यही होता है, वह काम छोड़कर चला जाता है। ये जो लड़की मानू है वो भी दुखी हो जाती है कि उसको चाची की वजह से अपना काम छोड़ करके जाना पड़ा और अब वो ससुराल में क्या कहेगी। तो वो दुखी होकर के अपने ससुराल जा रही है, लेकिन जब वो ट्रेन पर बैठ जाती है और ट्रेन सीटी दे रही है, अब वो ट्रेन चलने वाली है और वो अपने ससुराल की तरफ चली जाएगी, तब देखा बहुत दूर से हाँफता हुआ वो बूढ़ा कारीगर सिरचन अपने कांख में, यानी अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो शीतल पाटी और मेट दौड़ता हुआ आ रहा है और उस काम को पूरा करके उसने दे दिया मानू को। और फिर सिरचन जो है वो जब देता है उसको और उसके पैसे उस लड़की से नहीं लेता है, तो इससे पता चलता है मानू को कि यह सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि पैसे के लिए अगर ये काम करता तो पैसा लेता, लेकिन वो उस मानू का दिया हुआ पैसा नहीं लेता है। इस वजह से जो सिरचन का लगाव है मानू के प्रति, उसके कारण वह फूट फूट करके रोने लगती है और सिरचन के काम को देख करके नरेटर कमेंट करता है, टिप्पणी करता है, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम वह पहली बार देख रहा था। मतलब कि जो काम पहले वो करता आ रहा था सिरचन, उससे ज्यादा बेहतर अपनी पूरी कला को उसने मानू के लिए शीतल पाटी बनाने के लिए उड़ेल दिया था और उसने अपने कला का बेस्ट दिया था। और इस वजह से इस कहानी का शीर्षक ठेस रखा गया कि आप पैसे की बात करते हैं, सिरचन ने तो पैसे भी नहीं लिए, और पैसे के लिए अगर वो ये काम कर रहा होता तो पैसा लेता और उसको अपने ईगो की उतनी परवाह नहीं होती। तो ये कहानी जो है फणीश्वरनाथ रेणु की, इसके बाद हम चाहते हैं कि अगली कहानी निर्मल वर्मा की जो परिंदे है, इस पर हम थोड़ी सी बात आपसे करें। परिंदे कहानी जो है वो निर्मल वर्मा की ऐसी चर्चित कहानी है जिस कहानी की चर्चा प्रोफेसर नामवर सिंह, जो हिंदी के बड़े आलोचक थे, अब गुजर गए, इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने इस कहानी की ऐसी चर्चा की थी कि इस कहानी के बाद वो चर्चा के केंद्र में आ गए। मैं निर्मल वर्मा की इस कहानी के बारे में, इससे पहले कि कोई कहानी के बारे में बताना शुरू करूं, मैं निर्मल वर्मा के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। निर्मल वर्मा को हिंदी में स्मृतियों का कथाकार कहा गया है। स्मृति मतलब जो वो कोई कहानी शुरू करते हैं तो वो यादों से शुरू होती है और यादों में अक्सर कहानी चलती है। 1956 में परिंदे कहानी का प्रकाशन हुआ था
और इसी नाम से, परिंदे नाम से ही उनके उनके कहानी संग्रह का भी नाम है, जिसमें तकरीबन 7 कहानियां हैं, यानी कि जो एक उनकी किताब है उस किताब का ही नाम है परिंदे कहानी संग्रह है, और उसमें जो 7 कहानियां हैं उन कहानियों में उसके शीर्षक हैं अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, और अंतिम कहानी है परिंदे। परिंदे कहानी संग्रह के रूप में ऐसे कहानी पत्रिका में तो 56 में आ गई थी, लेकिन किताब के रूप में इस कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ 1959 में, 1959 में। और दूसरी कहानी कहानी संग्रह का नाम है जलती झाड़ी, इसका प्रकाशन हुआ 1965 में। तीसरी कहानी शीर्षक का कहानी संग्रह का नाम है पिछली गर्मियों में, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद बीच बहस में 1973 में, 1973 में, और मेरी प्रिय कहानियां कहानियां के नाम से जो संग्रह प्रकाशित हुआ वो 1973 में, जिसमें दहलीज, परिंदे, अंधेरे में, 1.5 इंच ऊपर, अंतर, लंदन की एक रात, जलती झाड़ी, ये कहानियां संकलित थी। और प्रतिनिधि कहानियां के नाम से उनका संकलन छपा 1988 में, 1988 में। और कव्वे और काला पानी, ये 1983 में, यानी 1983 में। सूखा तथा अन्य कहानियां, ये 1955 में। फिर 11 लंबी कहानियां नाम से जो किताब छपी, उसमें परिंदे, अंधेरे में, लंदन की एक रात, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, दो घर, दूसरी दुनिया, सुबह की सैर, कव्वे और काला पानी, सूखा बुखार, ये कहानियां संकलित है। अभी हम बात करना चाहते हैं परिंदे कहानी पर। परिंदे कहानी जो है उसके केंद्र में लतिका नाम की एक औरत है, लतिका नाम की एक महिला है। दूसरी पात्र है सुधा, जो हॉस्टल में शायद सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की थी। और तीसरी जो महिला है वो है जूली, जो हॉस्टल की एक लड़की है जिसका प्रेम पत्र, लव लेटर, लतिका के हाथ लग गया है, यानी लतिका ने उसका वो लेटर ले लिया है। और एक और पात्र है करीमुद्दीन, जो हॉस्टल का नौकर है, और हॉस्टल में नौकरी करने से पहले हुआ मिलिट्री में ऑर्डरली रह चुका है। उसके बाद जो पात्र हैं उनका नाम है डॉक्टर मुखर्जी, जो आधे बर्मी थे। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मौत हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते थे। इन्हें फिलोसफाइज करने की आदत थी, चीजों को दर्शन के हिसाब से देखने की। इसके बाद जो पुरुष पात्र हैं उसका नाम है मिस्टर ह्यूबर्ट, जो म्यूजिक टीचर हैं, पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं, और वो लतिका से प्रेम करते हैं, और उससे लतिका से बहुत भावुकता वाला उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखा है पहले। एक और पात्र है पुरुष पात्र, प्रिंसिपल मिस वुड, काफी बूढ़ी है, बुजुर्ग है, और बहुत चीखती चिल्लाती है, इसलिए सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। और एक पात्र है गिरीश नेगी, जो कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था, जिससे लतिका प्रेम करती थी। और एलमंड है जो फादर है। कहानी का शीर्षक ये है परिंदे, जो निर्मल वर्मा की सशक्त कहानियों में से एक मानी जाती है। वो परिंदे, जैसा मैंने बताया, जो कहानी संग्रह है उस संग्रह की आखिरी कहानी है, और इसका जो शीर्षक है वह प्रतीकात्मक है, यानी कि सिंबल जो है इसमें मेन है। और इस सिंबल के माध्यम से उन्होंने आधुनिक मानव की जो नियति है, भाग्य है, उसको पकड़ने की कोशिश की है, जहां सभी मनुष्य किसी न किसी के लिए प्रतीक्षित है, मतलब वेट कर रहा है, मुंतजिर है, उर्दू में कहते हैं। कहानी की नायिका जो लतिका है,
वह इस कहानी के केंद्र बिंदु के रूप में है। जो एक हिल स्टेशन में स्कूल है उसकी वार्डन है, वह कुमाऊं के, कुमाऊं जो कि आज के उत्तराखंड स्टेट के, उत्तराखंड राज्य का जो कुमाऊं रीजन है उसके एक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में टीचर है। मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी और मिस वुड आदि उसके साथ उस स्कूल में शिक्षक हैं। कहानी में उस समय का जिक्र है जब सर्दी की छुट्टियां होने वाली है और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है। आप लोग पांडिचेरी में हैं और उधर गर्म इलाके में इस समय है, तो आपको इधर की छुट्टी का, नॉर्थ की जो इस समय सर्दियों की छुट्टी है, इसका इस तरह से अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि शिमला में, श्रीनगर में इन दिनों -2, -4, -6 इस तरह से टेम्परेचर है। तो इतनी सर्दी होने की वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं, नैनीताल है, शिमला है, जम्मू कश्मीर है, वहां सर्दियों में महीने 2 महीने की छुट्टी हो जाती है। जो और पहाड़ी इलाके हैं वहां पे समर वेकेशन नहीं हो करके विंटर ब्रेक होता है 2 महीने का। तो इसलिए इस कहानी में भी जो कॉन्वेंट स्कूल है कुमाऊं का, उसमें जिक्र है कि सर्दियों की वजह से छुट्टी होने वाली है, हॉस्टल खाली होने वाले हैं, बच्चे अपने घर जाने वाले हैं। तो पिछले 2-3 साल से जो मिस लतिका है, इस कहानी की हीरोइन है, पात्र है, वो हॉस्टल में ही रह रही है, और डॉक्टर मुखर्जी एक पात्र हैं जो छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी में भी यहीं रहते हैं। कहानी की जो नायिका लतिका है वो कॉन्वेंट के स्कूल के, हॉस्टल के रंगीन वातावरण में भी अकेलेपन में जी रही है। कुछ साल पहले उसके जीवन में ऐसा घटित हो चुका है जिसे वह चाह करके भी भुला नहीं पा रही। वो घटना यह है कि कुमाऊं रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन गिरीश नेगी से लतिका ने प्रेम किया था और युद्ध के कारण गिरीश नेगी को कश्मीर जाना पड़ा। उसके बाद गिरीश नेगी लौट नहीं सके, एक प्लेन दुर्घटना में गिरीश नेगी की मृत्यु हो गई। यानी लतिका जिससे प्रेम करती थी वह कश्मीर में एक युद्ध में प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन लतिका जो है वह उसे भूल नहीं पा रही है, वह मेजर गिरीश के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को अपना साथी बनाकर कॉन्वेंट के स्कूल में नौकरी करते हुए अपना दिन गुजार रही। मिस्टर ह्यूबर्ट है जिसने लतिका को प्रेम पत्र एक बार लिखा था और लतिका को उसके इस हरकत पर हंसी भी आई थी कि जब इसको मालूम है मिस्टर ह्यूबर्ट को कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, फिर भी ये मुझे खत लिखता है, पत्र लिखता है। लेकिन उसे इस बचकाना हरकत पर हंसी आई, लेकिन भीतर ही भीतर खुशी हुई कि ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी तो केवल ममता। लतिका को लगा था कि वो अभी इतनी उम्र वाली तो नहीं हो गई है कि कोई उसके लिए कुछ कर ही ना सके, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि वैसी ही अनुभूति अब किसी के लिए हो पाएगी, यानी कि नेगी के लिए, जो उसका प्रेमी था जो दुर्घटना में मारा गया, वैसी फीलिंग नहीं हो पा रही। लतिका अपने बीते हुए दिनों की जो दुखद घड़ियां हैं उसको भूलना चाहती है, क्योंकि आखिरकार किसी मरने वाले के साथ किसी दूसरे का जीवन जो है वो स्थगित तो नहीं रह सकता है। तो लतिका अपने दुखद घड़ियों को इस भूलने की कड़ी में वह सब कुछ भूलना चाहती है। डॉक्टर मुखर्जी जो परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है, लेकिन वह भी मानव की नियति की तरह, लतिका की तरह शिकार है। जैसे पहाड़ी जीवन में प्रैक्टिस के बारे में मिस वुड से वो कहता है, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता भटकता फिरूंगा, जहां रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं, यहाँ आया कुछ दिनों के लिए फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा, जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊंगा, जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता है, मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूं। यानी वो भी, डॉक्टर मुखर्जी भी लतिका की ही तरह अकेला है और उसके जीवन में भी कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जिम्मेदारी कुछ नहीं है, और वह भी अपने प्रैक्टिस को लेकर के
एक तरह से लापरवाह है। परिंदे कहानी में जो उसका पात्र है डॉक्टर मुखर्जी, क्योंकि उसका बर्मा से कनेक्शन है, तो वो कहता है लतिका से कि मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा। अच्छा, मैं बर्मा बार बार कह रहा हूं तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसका आजकल नाम म्यांमार हो गया है। म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा था, ये कहानी पहले की है तो इसलिए बार बार इसमें बर्मा आ रहा है। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना पड़ता है तो वो कितना खौफनाक होता है? यानी आदमी मरना, जिंदगी भर नौकरी कहीं और कर ले, मरना चाहता है अपनी जमीन पर जहां का वो है। ये सब चीजें भी, यानी कि जो इसमें नॉस्टेल्जिया है, अपने जमीन के प्रति लगाव है, ये सब भी है। और साथ साथ इसमें एक अकेलापन जो है उसको इस तरह से दिखाया है कि न सिर्फ लतिका के जीवन में, बल्कि इस स्कूल में जो भी काम करने वाले पात्र हैं सबके जीवन में एक सूनापन है, एक वीरानी है, एक अकेलापन है, और ऊपर से सुखी दिखते हुए भी भीतर से कोई सुखी नहीं है। तो निर्मल वर्मा की ये जो कहानी परिंदे है, इस पर हमने आपसे बात की। तीसरी कहानी जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो कहानी है उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी। वापसी उषा प्रेमवदा की बहुप्रशंसित कहानी है। बहुप्रशंसित का मतलब यह है इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई और बहुत ज्यादा चर्चा हुई। मैं आपको बताऊं कि कोई रचना, चाहे वो कविता हो या कहानी हो, वह अपनी महत्ता को, अपने इम्पोर्टेंस को बार बार जब साबित करे और बार बार हर जेनरेशन को लगे कि यह उसके जीवन की कहानी है, तो उस कहानी के रेलेवेंस को, उसकी प्रासंगिकता को समझा जा सकता है। जो वापसी कहानी है, उस कहानी की प्रासंगिकता ये है, उसका रेलेवेंस ये है कि उस कहानी में एक गजाधर बाबू नाम के पात्र हैं, जो रेलवे स्टेशन पे, एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर की नौकरी करने के बाद रिटायर हुए हैं। ठीक है, रिटायर होने के बाद वो जीवन भर ये सोचते रहे, नौकरी में चूंकि अकेले रहे तो जीवन भर ये सोचते रहे कि हम जब रिटायर हो जाएंगे तब अपने परिवार के और बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और तब हमारा दुख कम होगा क्योंकि तब हम अकेले नहीं रहेंगे। यही इस कहानी की ट्रेजेडी है कि जो गजाधर बाबू जिंदगी भर, जीवन भर किसी छोटे मोटे रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर रहे और रात दिन की नौकरी करते हुए पूरा जीवन बच्चों के लिए नौकरी करते रहे, पूरी सैलरी बच्चों को भेज देते थे, पत्नी को भेज देते थे, उस गजाधर बाबू की जो नियति है रिटायर होने के बाद जब वो घर लौटते हैं, तो उसी के उसके बाद जो उनके कटु अनुभव अपने परिवार में होते हैं, उसके बाद उस कटु अनुभव से वो एक बार फिर किसी दूसरी जगह नौकरी के लिए बात करते हैं और वो नौकरी करने के लिए वो वापस चले जाते हैं। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक वापसी रखा गया है। मैं आपको संक्षेप में इस कहानी के बारे में बताता हूं। स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवा निवृत्त होने के बाद बड़े उत्साह से गजाधर बाबू अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा से घर लौटते हैं, क्योंकि रेलवे के क्वार्टर में रहकर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू को 35 सालों तक, 35 ईयर्स तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ा था। वो इसलिए रहे और अपने परिवार को बड़े शहर में रखा, मकान बनाकर, ताकि जो उनके बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, वो बड़े शहर की सुख सुविधाओं के बीच आराम से रह सके, और वो किसी छोटे शहर के रेलवे स्टेशन पे
स्टेशन मास्टर की नौकरी कर रहे थे। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद जाहिर है कि बहुत सारा सपना संजो के वो जब लौटे तो उन्होंने पाया कि परिवार के सभी लोग अपने अपने ढंग से जिंदगी जी रहे थे। बेटा घर का मालिक बना हुआ था, बेटी और बहू घर का कोई काम नहीं करती थी। यदि उन्हें घर का खाना वाना बनाने को कहा जाए, घर के साफ सफाई को कहा जाए, तो वो जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देती थी या सामान को बर्बाद कर देती थी, ताकि इससे ऊब करके उकता करके जो गजाधर बाबू की पत्नी है वो कहे कि मैं ही सारा काम करूं, तुम लोग जो है गड़बड़ कर देते हो। और घर के काम में हाथ बटाने के लिए एक नौकर को रख लिया गया था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी परिवार में। जिस परिवार के लिए सालों तक छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में रहकर गजाधर बाबू ने अपना जीवन गुजार दिया था, उसी परिवार के किसी सदस्य के प्रति, किसी सदस्य के मन में गजाधर बाबू के प्रति कोई लगाव नहीं था। बच्चों के लिए वे केवल पैसा कमाने के साधन मात्र थे। गजाधर बाबू को इस बात का एहसास तब होता है जब वो घर आते हैं रहने के लिए, और तब वो देखते हैं कि उनकी उपस्थिति में किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार नहीं होता है। उनके होने से उन्हें अपने मन से जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। उनकी बेटी भी छोटी सी डांट पर मुंह फुला लेती है, यानी कि रूठ जाती है और उनसे कटकर रहने लगती है। और जो उनकी पत्नी है वो गजाधर बाबू को समझने के बजाय वो उन्हीं को उल्टा नसीहत देती है कि आप बच्चों के उसमें मत पड़िए लफड़े में। और परिवार में उसके बाद उनका आदर नहीं होता है, निरादर होने लगता है। और कुछ समय के बाद तो स्थिति ये हो जाती है कि बच्चों को लगने लगता है कि मेरे जो पिता है वो घर में क्यों रहते हैं, वो क्यों घर में छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप करते हैं। और इसके कारण उनके जो दोस्त हैं, जो घर में आकर के कोई टी पार्टी करता है, कोई कॉफी की पार्टी करता है, कोई किटी की पार्टी करता है, उसमें व्यवधान होता है। तो इससे इंसल्ट से वो एक चीनी मिल जो है शुगर मिल, उस शुगर मिल के मैनेजर से बात करते हैं और घर से जाने का फैसला करते हैं। पत्नी को जब बताते हैं तो उनको सबसे ज्यादा धक्का इस बात से लगता है कि उनकी पत्नी जो है उनको भी इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि 35 ईयर्स तक जो मेरा हस्बैंड बच्चों के लिए नौकरी करता रहा, हम लोगों से दूर, बच्चों से दूर, वो जब रिटायर होने के बाद घर रहने के लिए आया है तो उसको घर में पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। उसी के पैसे से पूरा घर चल रहा है, उसी के कमाए हुए पैसे से बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत ये है कि बच्चे चाहते हैं कि हमारे फादर चले जाएं घर से, और पत्नी भी बच्चों के बीच में इस तरह रम चुकी है कि जब गजाधर बाबू ये तय करते हैं कि हमें जाना है तो पत्नी एक बार भी नहीं रोकती है। इससे उनको इतना ज्यादा शौक लगता है कि वो स्पीचलेस हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप एक बॉक्स में अपना कपड़ा, अपना बिस्तर समेटते हैं और वो चले जाते हैं। इसलिए इस कहानी का जो सारांश है, जो इसका सार है, उस सार के हिसाब से गजेंद्र बाबू की जो दोबारा रिटायर होने के बाद नौकरी में लौटना है, उसी लौटने को, उसी वापसी को इस कहानी का शीर्षक वापसी बनाया गया है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो जो वापसी है वो आधुनिक काल के, हमारे आज के समय के वास्तविक यथार्थ को यह कहानी प्रस्तुत करती है। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए, यानी आजकल के बच्चों के लिए, जो फैमिली के वैल्यूज हैं और इस फैमिली में जो फादर का स्थान होता है, फादर की जो जगह होती है, उसका जैसे कोई मोल ही नहीं रह गया है, वो इसको समझते ही नहीं है। और उनकी नियति ये हो गई है, उनका
उनका रोल इतना रह गया है कि वह अपने पत्नी के लिए और बच्चों के लिए पैसे कमाने की एक मशीन भर रह गया है। उसका काम है सिर्फ पैसा कमा के दे देना, बाकी उससे उसके सुख दुख से, उसकी फीलिंग्स से बच्चे या पत्नी को कोई मतलब नहीं है। पत्नी भी जिस व्यक्तित्व के अस्तित्व से, यानी जिस पति के जिंदा रहने के कारण अपने सिर में सिंदूर लगाई हुई है और समाज में जो सौभाग्यवती स्त्री का दर्जा पाई हुई है, उस सिंदूर का भी वो कदर नहीं करती है। उसके सामने दो वक्त भोजन की थाली रख देने से ही उसका ड्यूटी जैसे पूरा हो जाता है, वो अपने कर्तव्य की से छुट्टी पा लेती है। गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह अपने जीवन यात्रा में यादों के पन्ने को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए घर परिवार में कोई जगह नहीं बची है। इसलिए यह कहानी वर्तमान युग में बिखरते मध्यवर्गीय परिवार, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसकी जो ट्रेजेडी है, और मिडिल क्लास फैमिली में जो वैल्यूज है, उस वैल्यूज का जो खत्म होना है, जो नष्ट होना है, वैल्यूलेस जो होता जा रहा है, उसी पर ये वापसी कहानी प्रकाश डालती है और उसी के ट्रेजेडी को ये कहानी बताती है। तो ये हमने चर्चा की आपसे, वापसी कहानी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो आपके सिलेबस की आखिरी कहानी है, उस कहानी के बारे में बात करेंगे। उस कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन, और ज्ञान रंजन की कहानी पिता के बारे में बात करेंगे। पिता जो कहानी है, ये कहानी इसमें क्या बताया गया है और क्या है, पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद, यानी आजादी के बाद, हमारे समाज में क्या-क्या बदलाव आए, क्या-क्या परिवर्तन आए, खास तौर से 1960 के बाद। उस बदलाव को इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। थोड़ा सा इस कहानी से पहले जो दूसरी कहानियां लिखी गई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अगर वक्त मिला तो। और पिता और पुत्र का जो संबंध है, बेटा और बाप का जो रिलेशन है, और खास तौर से पारिवारिक संबंधों का जो पूरा ताना बाना है, उसको भी समझेंगे। और साथ में हम जान पाएंगे कि इसमें जो द्वंद्वात्मकता है, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। कहानी के जो लेखक हैं ज्ञान रंजन, 21 नवंबर 1931 को महाराष्ट्र के अकोला में पैदा हुए। इस समय पहल नाम की पत्रिका वो निकालते हैं जिसके संपादक हैं। उनकी मुख्य जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की हम चर्चा करते हैं, जैसे फेंस के इधर और उधर, क्षण जीवी, सपना नहीं, ये सभी उनके कहानी संग्रहों के नाम हैं। कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज जो है उसके नाम है, और उनकी कहानियों का कुछ विदेशी भाषाओं, मसलन रूसी में और अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। कई सम्मान भी उनको मिल चुका है। इस कहानी में पिता और पुत्र के संबंधों के यथार्थ को उन्होंने अपने से पहले जिन कथाकारों ने लिखी पिता पुत्र के संबंध के बारे में, उससे जरा अलग हटके ये कहानी लिखी है उन्होंने। कहानी शीर्षक शुरू ऐसे होती है कि पुत्र जो है वो उमस भरी रात में, गर्मी की रात में घर लौटा। उसने आधे पल को बिस्तर का अंदाजा लेने के लिए बिजली जलाई। बिस्तर फर्श पर ही पड़े थे। पत्नी ने सिर्फ इतना कहा कि आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। वातावरण बहुत गर्मी थी उसमें, उसकी वजह से जाहिर है कि उसका कपड़ा पूरा पसीने से भीग चुका था। घर के सभी लोग सो चुके थे और घर के भीतर सिर्फ वही जागा है। घर में अगर पुत्र जागा है तो बाहर पिता भी जागे हुए हैं।
रोती हुई बिल्ली को देखकर पिता सचेत हो गए और उन्होंने डंडे की आवाज से बिल्ली को भगा दिया। जब वह घूमकर लौट रहा था, तब भी उसने कनखी से पिता को गंजी से अपनी पीठ खुजाते देखा था, लेकिन वह पिता से बचकर घर में घुस गया। पहले उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से शायद नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर एकाएक उसका मन गुस्से से भर गया, क्योंकि घर के सभी लोग पिता से पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, लेकिन पिता हैं कि सुनते ही नहीं। कुछ देर वह अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा और फिर कुछ देर उत्सुक होकर के कुछ देर के बाद उठा, और उठ करके उसने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की से बाहर उसने देखा तो पिता बेचैन थे और सड़क की बत्ती बिल्कुल उनकी छाती पर पड़ रही थी, बत्ती से मतलब बल्ब, और वो बार बार करवट बदल रहे थे। फिर कुछ देर के बाद पंखा चलने लगे। इसके बाद पिता उठकर चौकीदारों की तरह घर के चारों ओर घूमने लगते हैं। पुत्र को यह सब अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता है। उसे लगता है कि हमारे जो पिता हैं वो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। वह कमरे की दीवार से पीठ टिकाकर तनाव में सोचने लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा है, सब लोग आराम से पंखे के नीचे सो रहे हैं, लेकिन पिता की रात जो है वो कष्ट में बीत रही है। पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं क्यों? पिता चौक से आने के लिए रिक्शे वाले से 4 आना मांगने पर भी 3 आने और 3 आने मांगने पर 2 आने लेने के लिए काफी चिरौरी करते हैं। घर में वॉश बेसिन है, पर वे बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही मुंह हाथ धोते हैं, और जो गुसल खाना है यानी जिसको बाथरूम कहते हैं, उस बाथरूम में वो ना नहाते हैं न मुंह धोते हैं। यानी जो आजकल की आधुनिक सुख सुविधाएं हैं उसका वो उपयोग नहीं करते हैं। लड़कों के द्वारा जो बाजार से बिस्किट लाई जाती है, महंगे फल लिए खरीद कर लाए जाते हैं, वो कुछ भी उसके पिता नहीं खाते हैं, और कभी जरा सा खा भी लिया तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर। बाहर पिता ने लड़ते चिचियाते कुत्तों को भगाया, वह पिता के व्यवहार से फिर दुखी हो गया। उसने कितनी बार पिता से कहा है कि मोहल्ले में हम लोगों की एक इज्जत है, आप सम्मान से भीतर सोया कीजिए, अच्छे कपड़े पहना कीजिए, बाहर पहरे मत दीजिए। लेकिन यह सब बहुत भद्दा लगता है, पर पिता है कि इन सब बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। उन्हें कितना भी बढ़िया कपड़ा लाकर दो, कहो कि इसे अच्छे दर्जी से सिलवा लो, तो भी वो मोहल्ले के किसी सामान्य से दर्जी से कमीज कुर्ता सिलवा लेते हैं। इस पर पिता के अपने तर्क हैं। घर के लोग इस पिता के इस व्यवहार को देखकर हर बार ये ठानते हैं कि वे पिता को उनके हाल पर ही छोड़ देंगे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद पिता के लिए सबके मन में प्यार उमड़ने लगता है। ये जो पूरा पिता और पुत्र का जो नरेशन में ये सारा द्वंद चल रहा है, इसी द्वंद को लेकर के ये पूरी कहानी बुनी गई है। उसका जो पात्र है वह सब इन बातों को भुलाना चाहता है, लेकिन सोने की इच्छा होने पर भी वह खुद को असहाय पाता है। उसने अपनी पत्नी के लिए सोचने की कोशिश की, लेकिन एक स्तर पर उसे लगा कि यार पिता क्यों नहीं सो रहे हैं, गर्मी की रात है। लेकिन पिता उसके बड़े हठी यानी जिद्दी और अहंकारी कभी कभी उसे लगते हैं। उसे लगता है उसके पिता कठोर हैं, और एक बार उसने सोचा कि पिता को आग्रह पूर्वक अंदर बुला करके पंखे में सोने के लिए कहें, फैन के नीचे कहें, पूरी रात जागने के बाद उनकी जो नींद है वो उड़ चुकी थी। उसने पिता को देखा, पिता सो तो नहीं गए अथवा सोकर पुनः जगे हुए हैं? पता नहीं, अभी उन्होंने हे राम कहकर जमाई ली है। पिता उठे, उन्होंने अपना बिस्तर गोल करके एक सिरहाने पर रखा और खाट की बाँध को पानी से तर किया और पंखा झलने लगे। तड़का होने में, तड़का मतलब कि सुबह होने में अभी भी देर थी, वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है, दूसरे कमरे में भी स्तब्ध है सब, कि पता नहीं बाहर और क्या
कितनी उमस होगी, बेचैनी होगी। अब लगता है कि पिता निश्चित रूप से सो गए हैं, शायद उसे लगा, लेकिन पिता नहीं सोए थे। पिता दरअसल ज्ञानरंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, और पिता के अलावा ज्ञानरंजन की पहचान, संबंध, फैंस के इधर उधर, घंटा, बहिर्गमन इन कहानियों से बनी। और यह कहानी इस पहचान की तरह है कि लगभग 30-35 वर्षों तक कहानियां न लिखने के बावजूद ज्ञानरंजन आज भी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। ज्ञानरंजन का जो दौर है वो, जैसा हमने बताया, आजादी के जस्ट बाद का दौर है, और उनकी कहानियों को पढ़ के आलोचकों को लगा कि वे पारिवारिक संबंधों में आई दरार और दो पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरियों को अपनी कहानियों का आधार बनाते हैं। जहां पुरानी पीढ़ी बेहद जिद्दी और रूढ़िवादी है, पर उनकी कहानी पिता इसे तुरंत खारिज कर देती है, और इसका सही विश्लेषण इसके पाठ में ही निहित दिखाते हुए संयुक्त परिवार के विघटन और दो पीढ़ी में आई भावनात्मक दूरी जैसे जुमलों को अपनी कहानियों से कोसों दूर रखती है। इसलिए भी ज्ञान रंजन की कहानियों का पाठ बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। पिता कहानी जो है वो उमस भरी गर्म रात में एक पहर में पिता की मनस्थिति को पुत्र की नजर से, अथवा जो नरेटर है इस कहानी का, वाचक की दृष्टि से बयान करती है। एक पुत्र है जो उमस भरी रात में घर लौटा है इस डर से कि कहीं किसी की नींद न उचट जाए। सिर्फ आध पल को उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए बिजली जलाया, और बिस्तर फर्श पर ही लगे हुए थे, तो उसने पत्नी को सोते सोते सिर्फ इतना कहती है उसकी पत्नी कि आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेके सो जाती है। यह कहानी का शुरुआती हिस्सा है, जो कहानी की पृष्ठभूमि भी बनाती है, और कथाकार यहाँ घर में भरी उमस गर्मी का और उमस का संकेत देने के लिए भी ये बताया है। ज्ञानरंजन की विशेषता यह है कि वो अपनी कहानियों में स्वयं को सामाजिक स्थितियों के भीतर और समकालीन संदर्भों में स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। यहाँ पिता और पुत्र के मध्य एक प्रेममयी और भावनात्मक दूरी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं। इसलिए यह कहना कि यहाँ बूढ़ों की दयनीय स्थिति दर्शाई गई है, जैसा कि कई आलोचकों ने कहा है, तो यह ठीक नहीं होगा। पिता और पुत्र पास रहने पर भी साथ नहीं रह पाते, लेकिन यह सिर्फ इस कहानी की ही नहीं, उस पूरे दौर और यहां तक कि आज के दौर की भी विडंबना है। दोनों के अपने आग्रह हैं, पर कौन दुराग्रह से ग्रस्त है यह कथाकार नहीं बताता है। सिर्फ पिता के संस्कारों और उनकी कार्यशैली का ब्यौरा वह हमारे सामने रखता है। यह बात सही है कि सरसरी और ऊपरी नजर से देखने पर इस कहानी में पिता की जिद और पुत्र की इच्छाओं की कद्र न करने के कारण दोषी पिता ही ठहरते हैं, पर यह न तो कहानी का लक्ष्य है और न कहानीकार का लक्ष्य है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा, यह कहानी अपने पाठ के दौरान काफी सावधानी की मांग करती है। तो इस तरह से हमने आज चारों कहानियों पे अच्छी चर्चा की, और आपको पूरी बात बताने की भी कोशिश की। हमारे पास 7-8 मिनट का वक्त है, तो मैं चाहता हूं कि इस समय में आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो वो आप करें, उस पर हम बात करेंगे। तो आपके सवाल आमंत्रित हैं, समय का ध्यान रखते हुए आप लोग सवाल पूछना शुरू कीजिए। काव्या, एनी क्वेश्चन सर सर यस। स्टोरी इज ओके आई जस्ट मैं सर कथानक और कथा वस्तु दोनों एक ही होते हैं। एक ही होते हैं। अच्छा ऐसा ओके सर सिर्फ इतना ही पूछ रहा था मगर स्टोरी इज सो क्लियर सर ठीक से समझ में आ गया ना? यस इट्स ऑल क्लियर सौरभ वर्मा, सर सेंथिल, सर टिप्पणी में टिप्पणी लिखिए सर टेस धनिया अभी कुर्तना प्रश्न के उत्तर कहानी की सारांश लिखना चाहिए सर
आपका प्रश्न मैं नहीं समझ पाया, आप क्या पूछना चाहती हैं? टिप्पणी में टेस प्रश्नों के उत्तर जस्ट स्टोरी टाइटल मट्टू कुडुत्तिरुक्कांगा सार. अच्छा அதுக்கு நம்ம ஸ்டோரியோட சாராம்ஸ் மட்டும் கஹானிக்கா சாராம்ஸ் மட்டும் லிக்னா இட்ஸ் ஓகே சார். जरूरी नहीं है, कहानी का सारांश लिखना इसलिए जरूरी नहीं है कि ठीक जो इस आपकी कॉपी को चेक करेगा एग्जामिनर उसे तो मालूम है, उसे आप इस कहानी को किस तरह से समझ रही हैं और इस कहानी का आपने विश्लेषण, इसका एनालिसिस किस तरह से किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड योर एग्जामिनर, राइट? ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चंस? सर एनी अदर क्वेश्चंस? सर हेलो कोई और सवाल तो नहीं है? हेलो, सर, इज इट इज ऑडिबल? यस, ऐसा सर, आई किसी कैन कहानी लिसन। की समीक्षा के बारे में पूछा है तो इससे मैं प्रस्तावना और रचना का उद्देश्य से सॉरी प्रस्तावना रचना उद्देश्य और वातावरण बस यही काफी है. समीक्षा के मायने में चाहे समझ में नहीं आई मुझे ये कोई खाने जी. पीने की ये कोई खाने पीने की रेसिपी नहीं है कि एक चम्मच नमक डालना है, एक चम्मच हल्दी डालना है, तो इस तरह से आपको बताया। जी मुझे कहानी की समीक्षा कीजिए, मैंने समझ में नहीं आया है कि मैं किस तरह मैं आयद प्रेजेंट करूँ बता एग्जाम रहा में हूँ, ये जी. लिटरेचर है और लिटरेचर ओके में खाने की जी तरह कोई रेसिपी नहीं होती है। लिटरेचर में ये हो सकता है कि इस कहानी पर अगर मुझे लिखना हो एज कैंडिडेट, तो मैं किसी और जी स्टाइल में लिखूंगा, फिर आपके जो दूसरे दोस्त होंगे वो किसी और स्टाइल में होंगे, तो इसलिए इसका कोई बना बनाया साइंस की तरह फॉर्मेट नहीं होता है। दैट लिटरेचर, दैट इज बिग डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड लिटरेचर, राइट? ऐसा कोई ये भी हो सकता है कि कहानी का समरी न लिखे, कहानी को एनालाइज करे। कोई ये हो सकता है कि समरी पहले बताए और उसके बाद एनालाइज करे। कोई ये हो सकता है कि पूरे परिदृश्य को बता के ज्ञान रंजन का, तब पिता कहानी पे ओके बात, तो अलग अलग स्टाइल हो सकता है, राइट? और यही ओके सर, इसी देन आई विल राइट इन माय वे. यस, यू शुड राइट योर ओन वर्ड्स, ओन स्टाइल। ओके सर, हाँ, एनी श्योर अदर सर, थैंक क्वेश्चंस? यू सो मच सर. थैंक यू। एनी नो सर, अदर नो क्वेश्चन? सर. सर, ये जो पिता शिक्षक है हाँ, सर, इसकी सार्थकता क्या है सर? इसकी सार्थकता क्या है? यस सर, पिता कहानी जो है उसमें पिता ही इस कहानी के केंद्र में है, तो इसलिए उनको रखा गया है। और कहानी में जो शीर्षक होता है वो रेलेवेंट या इररेलेवेंट होता है ऐसा नहीं है, उसमें कई हो सकता है। जैसे मैला आंचल उपन्यास है, उसमें पूरा रीजन ही, पूरा अंचल ही कैरेक्टर है और उस हिसाब से रखा गया है, ठीक है? तो इस कहानी में पिता ठीक. चूंकि केंद्र में है इसलिए रखा गया है, पूरी बातचीत के केंद्र में ही पिता है, ठीक ठीक सर है? और सर. पार्वती, हाँ जी, नमस्ते जी. आज आपका पिता कहानी में, पिता कोई कहानी का तात्विक विवेचन कीजिए. इसका उत्तर में क्या क्या हाँ, हेडिंग लिखना आवश्यक है जी? पात्र ठीक एवं है, ऐसा चरित्र, चित्रण, कथोप कथन, इस आपका सब अपना लिखना नाम सही से आवश्यक या बताइए, नहीं जी? आपका नाम प्रभावती है या पार्वती है, क्या नाम है? प्रभावती, प्रभावती. राइट। प्रभावती जो हमारे यहाँ एक बड़े नेता हुए जयप्रकाश नारायण, उनकी पत्नी का भी नाम था, आपको पता है? क्या जी? जयप्रकाश नारायण, जेपी का नाम सुना था? हाँ जी, जेपी की पत्नी का नाम था प्रभावती। ओके जी, मुझे पता नहीं जी. हाँ, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दो। प्रभावती जी, हाँ जी, आपने तात्विक विवेचन शब्द कहा, हाँ तो तात्विक विवेचन से मतलब ये है कि कहानी का जो कथा वस्तु है, जो पात्र है, जो भाषा है,
जो पूरी कहानी की संरचना है इस पर आपको बात करनी है, इसको एनालाइज करते हुए कहानी के बारे में बात करनी है, ये होता है मतलब। ओके जी, तात्विक विवेचन मतलब पूरा कथा कथानक पात्र पूरा में हम क्या उसमें समझ सकते हैं और लिखना आवश्यक है, सही है जी? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और किसी बच्चे का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कक्षा को समाप्त किया जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, सभी को नमस्कार, नमस्कार सर, फिर से स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, सभी का स्वागत है। हेलो सर, ओके सर, ठीक है ना, शुरू करें? ओके कर सर, शुरू करें। हेलो, शुरू कीजिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू कर रहे हैं। अभी हमारे लिए कुछ ऐसे पोर्शन बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है अभी, ठीक है ना, आवाज आ रही है ना? हेलो जी, ठीक है, ठीक है। तो हम सीधे विषय पर आ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जिस तरह समय की इतने सारे ये जो टॉपिक्स हैं उन सभी को हिंदी स्कूल
अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं इसी पर, मैथिलीशरण गुप्त साकेत पर आ रहे हैं, साकेत पर आ रहे हैं। और जैसे आपके लिए परिचित काव्य है साकेत, और थोड़ा सा मैं साकेत का परिचय आपको दे रहा हूँ कि अभी देखिए आप। हाँ हेलो मित्रों, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन? जी जी, थोड़ा सा मैं जैसे मैथिलीशरण गुप्त की ओर इशारा करना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने पहले आपको बताया था, जैसे छायावाद के पहले का जो युग है द्विवेद युग का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हस्ताक्षर सशक्त कवि के रूप में मैथिलीशरण गुप्त हमारे सामने आता है। और वो जैसे उनकी खासियत ये है कि खड़ी बोली के बहुत ही, जैसे आप जानते होंगे कि द्विवेद युग में एक महत्वपूर्ण कवि का नाम है हरियाउद, उसी प्रकार दूसरा एक महत्वपूर्ण कवि है मैथिलीशरण गुप्त, और उनके भाई छोटे भाई भी कवि थे टीआराम शरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त विशेषकर हिंदी साहित्य में दद्दा नाम से, जैसे नागार्जुन को हम बाबा कहते हैं उसी तरह मैथिलीशरण गुप्त को दद्दा नाम से आदर के साथ लोग पुकारते थे। और मैथिलीशरण गुप्त की बहुत ही क्लासिक कृतियों के रूप में दो कृतियों की बहुत चर्चा होती है, उसमें एक है साकेत, दूसरा है भारत भारती। भारत भारती के माध्यम से उन्होंने देश में एक प्रकार की जागृति, आजादी के समय में या आजादी की लड़ाई के समय में परतंत्रता के युग में जन जागृति पैदा करने का प्रयास मैथिलीशरण गुप्त ने किया है। आपने पंक्तियां सुनी होगी, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। अब देखिए मैथिलीशरण गुप्त ने 1912 में जो भारत भारती लिखा है उसी काव्य की पंक्तियां हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। हमें सोचना है आज के संदर्भ में ये भारत भारती की ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक है। और उनकी रचनाएं राष्ट्रीय से ओत प्रोत है, देश प्रेम से ओत प्रोत है, और इसी वजह से उनको लोगों ने आदर के साथ राष्ट्रकवि पुकारने लगे। महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की पदवी उन्हें दे दी थी, और भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से भी सम्मानित कवि है। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी रचनाओं में बहुत ही, जैसे रामायण के प्रसंग को लेकर लिखा गया पंचवटी, पंचवटी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जयद्रथ वध महाभारत के प्रसंग को लेकर, यशोधरा जैसे उपेक्षित यशोधरा को लेकर, यानी उन्होंने उपेक्षित पात्रों पर विस्तार से लिखा है। इसके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है कौन सा है, मैंने पिछले क्लास में बताया था क्यों उपेक्षित पात्रों पर लिखा है, इसकी प्रेरणा से कौन बता सकता है? जी महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से, क्योंकि मैथिलीशरण गुप्त जिस समय जी रहे थे द्विवेद युग में, उसी जमाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का वर्चस्व था। उनकी प्रेरणा से उन्होंने कवियों की, आपको नोट करना है, कभी कभी जो हमारे छात्र नेट परीक्षा के लिए भी तैयार करते हैं, प्रश्न आता है किस लेख से मैथिलीशरण गुप्त को उपेक्षित पात्रों पर लिखने की प्रेरणा मिली। कवियों की
उर्मिला अभिषेक उदासीनता, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए टैगोर की एक टैगोर के एक लेख से काव्यर उपेक्षिता, काव्यर उपेक्षिता नामक लेख से महादेवी महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रेरणा मिली थी। और उन्होंने कवियों की उर्मिला अभिषेक उदासीनता लिखा, उसी से प्रेरित होकर साकेत का पूरा नवम सर्ग उर्मिला को लेकर लिखा गया है। इसके अलावा यशोधरा जैसे पात्रों पर उन्होंने लिखा है, क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, दुनिया में इतने फेमस हो गए, लेकिन यशोधरा उपेक्षित रही, उनकी पत्नी यशोधरा उपेक्षित रही। और कैकेयी पर पुराणों में जितना कलंक है उसे धोने का प्रयास उन्होंने किया। और गुप्त जी की जो बातें हैं, जैसे आप जानते हैं कि गुप्त जी ने खड़ी बोली को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, उसी में विशेषकर सरस्वती पत्रिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उन्होंने जैसे बहुत सारे अनुवाद किए हैं, महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हैं, महात्मा गांधी से प्रेरणा पकड़ ही उन्होंने विशेषकर राष्ट्रीय पर रचनाएं लिखी भी है। और जैसे आप देखिए उनकी प्रमुख जो कृतियां है, साकेत है, यशोधरा है, ये यहाँ गलत लिखा है, यशोधरा महाकाव्य नहीं है, यशोधरा यशोधरा महाकाव्य नहीं है, और यशोधरा असल में खंड काव्य है, यशोधरा खंड काव्य है। और जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि, ये सब वैसे बहुत चर्चित उनकी रचनाएं है, बहुत छोटी छोटी, बहुत इतनी चर्चित नहीं है, बहुत सारी रचनाएं उनकी रही है। और ये सब उनका सामान्य परिचय है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। गुप्त जी ने कुछ नाटक भी लिखे, कुछ अनुवाद भी किए, और मैं इस पर आ रहा हूँ। एक जनवरी पिक्चर में पहले आपको देना चाहूंगा, गुप्त जी की काव्य की जो विशेषता है, यानी गुप्त जी के बारे में ये बताया जाता है कि लोक संग्रही कवि है, यानी जनता के लिए लिखने वाले कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त की बार बार चर्चा होती है। और अपने युग की समस्याओं के प्रति काफी संवेदनशील कवि है। आप एक फर्क ये देखेंगे, जैसे रामायण की कहानी को आधार बनाते हुए साकेत लिखा गया, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये रामचरितमानस से या वाल्मीकि रामायण से भिन्न है, क्योंकि रामायण में और रामचरितमानस में राम के ईश्वरीय रूप को प्रदर्शित किया, लेकिन ईश्वरीय पात्रों से बढ़कर मैथिली शरण गुप्त ने सभी को मानवीय गुणों से ओतप्रोत पात्रों को हमारे सामने रखा। ये बेसिक डिफरेंस है, इसे आपको पहचानना है। आप रामचरितमानस की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम को या ईश्वरीय रूप को, राम के ईश्वरीय रूप को इसमें नहीं पाएंगे। एक साधारण हमारी भौतिक दुनिया में, मेटीरियल वर्ल्ड में जीने वाले मनुष्य के रूप में राम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला सभी का दर्शन आप कर पाएंगे, बेसिक डिफरेंस। और आप देखेंगे कि गांधी जी की काव्य, यानी गुप्त जी की काव्य की मुख्य विशेषताओं में राष्ट्रीयता है, गांधीवाद की प्रधानता है, गौरवमय अतीत का इतिहास है, भारत की सांस्कृतिक महत्व को बार बार हमारे अतीत के पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से प्रतिष्ठित करने का प्रयास गुप्त जी ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने पारिवारिक जीवन को बहुत महत्वपूर्ण माना है, इसलिए आप साकेत को जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे साकेत में इतने सारे प्रसंग आते हैं, ये सब पारिवारिक प्रसंग है। परिवार में, अपने राजमहल और परिवार में जिस तरह की बातें चलती है, या पति पत्नी के बीच, भाई बहनों के बीच, या पिता बेटे के साथ जिस तरह की, यानी एक प्रकार का पारिवारिक माहौल बुद्ध जी के
साकेत में आप देख सकते हैं नारी मात्र को विशेष महत्व दिया हमने और प्रबंध और मुक्त काव्यों का प्रणयन किया है और बाकी सारे मुहावरे शब्द शक्तियों ये सब प्रयोग उन्होंने किया भी है। और आप देखिए और मधुसूदन गुप्त की राष्ट्रीयता के बारे में उस पर नहीं जाऊंगा। भारत भारती विशेषकर मैंने बताया आपको वर्तमान भारत की दुर्दशा पर उन्होंने क्षोभ प्रकट किया है। इस प्रकार का उपनिवेशिक भारत है, इस प्रकार का साम्राज्यवादी भारत है, उसके खिलाफ हमने लिखा है। और अब भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, पहला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन भारतवर्ष है। अब देखिए भारतवर्ष की महिमा के बारे में जिस प्रकार वे बता रहे हैं, यानी भारतीय संस्कृति की जो महत्ता है, जो महिमा है, गौरवमय अतीत के बारे में बार बार गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे सामने प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। उन्होंने एक आदर्श नैतिकता का आदर्श, क्यों द्विवेदी युग में नैतिकता पर आधारित है, पौराणिक बुजुर्गों पर आधारित है काव्य की रचना चल रही थी, या महाराज प्रसाद द्विवेदी जी वृद्धों पर आधारित काव्यों को लिखने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसके साथ ही सामाजिक मर्यादा को, सामाजिक मर्यादा को, नैतिकता को आधार बना, मोरल की सदाचार को बनाए रखते हुए आदर्श समाज एवं स्नेह और पारिवारिक संबंधों की उदारता को उजागर करते हुए लिखने का प्रयास मधुसूदन गुप्त ने किया है। उसकी सबसे सफल अभिव्यक्ति आपको साकेत में आपको देखने को मिलेगा और स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर उन्होंने विशेषकर उसकी पवित्रता को लेकर लिखने का बहुत बड़ा प्रयास गुप्त जी ने किया है। अब देखिए दो पंक्तियां में आपके लिए एक मर्म के रूप में सुनाना चाहूंगा, ये साकेत की पंक्तियां है। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को भी स्वर्ग बनाने आया। अब देखिए ये साकेत कोई स्वर्ग नहीं, इतना बड़ा अध्यात्म नहीं, इतने बड़े ईश्वर का काव्य नहीं। संदेश यहाँ नहीं में स्वर्ग का लाया, इस भूतल को भी स्वर्ग बनाने, ये राम का संदेश है। राम को एक मनुष्य के रूप में चित्र किया है साकेत ने। राम अपने कर्म के द्वारा इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं। यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर को बहुत ही समदा के साथ, ममता के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वनगमन का एक प्रसंग में भी राम इतने शांत भाव से दिखाया जाता है और उनको मनुष्य जीवन की जो पगडंडियां है, जो इसके ज्वार बांटे हैं, इसका पता एक व्यक्ति के रूप में राम को है। इसीलिए राम दुखी रहे हैं, यानी वनवास के समय 14 साल जो कैकेयी के वर के पश्चात उनको वन में जाना पड़ा, तो उस समय का जो प्रसंग है, राम के जीवन में जिस तरह की विषम परिस्थितियां आ जाती है, लेकिन राम उसे सहज रूप से स्वीकार करते हैं। ये एक आदर्श, एक साधारण मनुष्य को जिस तरह संयम के साथ बातों को देखना है, इसका उदाहरण हमें देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक और कविता की पंक्ति में आपको बताऊंगा संकेत की। मैं मनुष्यता को सूर्य की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता। देखिए मनुष्यत्व महेश्वर गुप्त ने दूसरी कविता में ये बताया है, विचार लोग की मत्य हो न मृत्यु से डरो कभी, परंतु यो मरो ही याद जो करे सभी, नामक एक पंक्ति है। यानी यही पशु प्रवृत्ति है कि आप यही करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप देखेंगे महेश्वर गुप्त मनुष्यता को सबसे ऊंचा प्रदर्शित करने वाले कवि है। मैं मनुष्यता को सूरत की जननी कर सकता, किंतु पतित को, पतित आदमी को पशु कहना, जानवर की तरह देखना मेरे लिए असह्य है। आप साकेत में देखेंगे कि 14 साल के लिए जो वनगमन के लिए चले जाते हैं, तब कोई नहीं सोचता है उर्मिला 14 साल में उर्मिला का जीवन
कैसे कटा होगा ये इसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साकेत का जो प्रारंभ है इसमें राम जिस प्रकार भक्ति में डूब कर राम की भक्ति में डूब कर यदि भी राम को एक साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित किया है लेकिन कवि राम की भक्ति में डूब कर राम तुम्हारा वृत्त ही स्वयं काव्य है कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है ये उद्घोष मैत्रीचंद गुप्त ने शुरू शुरू में किया है। और साकेत की आप देखेंगे मुख्य रूप से उर्मिला की विधा को चित्रित करने का प्रयास उन्होंने जानबूझकर उर्मिला को कई प्रसंगों में लाने का प्रयास किया है और नवा सर्ग में पूर्ण रूप से उर्मिला की विरह विधा को भाव देने का प्रयास किया है यानी विरहिणी उर्मिला के दीर्घकालीन विरह की झांकी हमें साकेत के नवम सर्ग में मिल जाती है जिसमें कवि ने उर्मिला के विरही जीवन की एक प्रकार से विभिन्न अवस्थाएं जो है उसके रंग बिरंगे शब्द चित्रों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और ये भी बताया है कि किस तरह करुणा उदारता कोमलता जैसी जैसी अनुभूतियाँ हैं आत्मानुभूति सहानुभूति संताप क्षोभ आदि आदि की साकार मूर्ति बनकर विरह के इतने कष्टमय दिवसों को उर्मिला किस तरह व्यतीत करती है ये नवम सर्ग के केंद्र है। नवम सर्ग में पूरा का पूरा उर्मिला का ही चित्र है विरहिणी उर्मिला विभिन्न ऋतुओं में यानी आप देखिए 14 साल इतना छोटा समय नहीं है 14 साल छोटा समय नहीं है और इस समय में किस तरह वो अपने समय को व्यतीत करते हैं विरहिणी उर्मिला विभिन्न ऋतुओं में जैसे एक एक ऋतु का जैसे वर्षा ऋतु है हेमंत है शिशिर है वसंत है यानी एक एक किन किन अवस्थाओं से वो गुजरती है उसकी जो ठेस है उसकी जो पीड़ा है उसकी जो कराह भरी हुई विधा कदा है उसे दूसरों के समूह प्रकट करने का बहुत ही सफल प्रयास मैत्रीचंद गुप्त ने किया है यानी पूरा का पूरा उर्मिला के भावों का स्थान देने का प्रयास मैत्रीचंद गुप्त ने नवसर्ग में किया है। लेकिन आप मोटे तौर पर देखेंगे मैत्रीचंद गुप्त की आत्मा में राम से उनका राम का दैविक रूप उनके अंदर विद्यमान है और इसीलिए कभी कभी राम को लगता है गुप्त जी को लगता है राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या एक प्रकार से कंफ्यूज है तुम मानव हो या ईश्वर नहीं हो क्या विश्व में रहने हुए नहीं कभी कहे हो क्या तुम पूरे विश्व में फैले हुए है क्या तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे तुमने रमो तो मन तुमने रमा करे इस प्रकार कहने वाले गुप्त जी है। गुप्त जी ने साकेत में अपनी भक्ति को अपने विश्वास को प्रतिपादित किया है नारी मात्र की महत्ता का प्रतिपादन उनकी अधिकांश कविताओं में है इसलिए आप देखेंगे उनकी बहुत फेमस पंक्तियाँ आपने सुनी होगी अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूर और आंखों में पानी यानी स्त्री के बारे में मैत्रीचंद गुप्त की बड़ी क्लासिक पंक्तियाँ हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ये स्त्री तेरा जीवन हमेशा अबला ही रहा और तुम्हारे आंचल में दूध है और आंखों में पानी है तुम हमेशा करुणा की मूर्ति है दुख की मूर्ति है यानी प्रताड़ित पीड़ित हास्य कर और जीवन में अपनी इतनी बड़ी दुर्दशा में जीने वाली स्त्रियों के प्रति मैत्रीचंद गुप्त की जो सहानुभूति है जो उनका जो भाव है दिखाया गया और ये सारी सारी जो प्रवृत्तियाँ इनके अधिकांश कारण मिलते हैं विशेषकर उनकी उर्मिला एक प्रकार से सशक्त पात्र के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और एक प्रकार से एक विरह का एक क्लासिक सर्ग नव सर्ग हम बता सकते हैं और साकेत की उर्मिला किसी रामायण की उर्मिला नहीं है किसी रामचंद्र मानस की उर्मिला नहीं है पूरा का पूरा
एक अपने आप पर काबू करने वाली, अपने आप पर नियंत्रण करने वाली गृहिणी नारी की पूरे जीवन का चित्र हमारे सामने, उनके समस्त पीड़ाओं के साथ, उनके आंसुओं को धोने का, आंसुओं को पूंजने का प्रयास, उर्मिला के आंसुओं को पूंजने का प्रयास मधुर स्मृति ने संकेत के माध्यम से किया। जैसे हम जानते हैं उर्मिला की अवस्था जो है, लक्ष्मण की पत्नी होने के बावजूद भी कभी भी उनको लक्ष्मण का इस तरह का एक 14 साल भी एक प्रकार से उपेक्षित पात्र के रूप में, या तो चाहे तो लक्ष्मण उनको साथ लेकर जा सकते थे, तो बड़ा अन्याय है पुराणों में रामायण में उर्मिला के प्रति इतना बड़ा परी कि पति होने के बावजूद भी एक प्रकार से एक परित्यक्ता नारी की सारी यादनाओं को भोगना पड़ रहा है। और इसीलिए मधुसूदन गुप्त ने उनकी पीड़ा को, उनके आंसुओं को भाव एवं भाषा देने का प्रयास किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उर्मिला का जो चरित्र है बड़े विस्तार से उसे प्रतिवाद करने का प्रयास गुप्त जी ने किया है। और साकेत के बारे में जैसे आप देखिए, यहाँ राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के हीरे का जो चित्र गुप्त जी ने किया है वो अत्यंत मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से प्रोत्साहित है। साकेत राम कथा पर आधारित है, हिंदु के केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है साकेत में, क्योंकि जब हम साकेत में सबसे अधिक उभरने वाले पात्र के रूप में जब चर्चा करेंगे, राम है, भरत है, उर्मिला है, लेकिन उर्मिला के साथ सबके सहानुभूति। साकेत में उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्ग चित्रण किया है। साथ ही कैकेयी ने जिस तरह की चाल चलाई थी, कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र को मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल पट प्रस्तुत करने का प्रयास मधुसूदन गुप्त ने किया है। अब देखिए मैं इस पर ये अभी आप देखते हैं जैसे मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही एक संक्षिप्त छवि आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इसी साकेत को लेकर थोड़ा सा मैं 5 मिनट साकेत पर और बताना चाहूँगा। आप देखिए साकेत पर मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि 5 मिनट में आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाने के लिए, ताकि आप जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में आपके लिए साफ आइडिया मिल जाए, ये मेरा आग्रह है। अब देखिए ये बहुत ही संक्षेप में मैंने अभी आप देख रहे हैं ना मित्रों? जी हाँ दिख रहा। हाँ देखिए साकेत लिखने की प्रेरणा बहुत संक्षेप में 5 मिनट में बता रहा हूँ साकेत पर। साकेत लिखने की प्रेरणा जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली है, और आप देखेंगे साकेत का अर्थ है अयोध्या, साकेत का अर्थ है अयोध्या, और साकेत की रचना में उन्होंने पूरी अयोध्या को केंद्र में रखा है, और इसमें 12 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 12 बताया था कामायनी में, कौन बता सकता है कितना सर्ग है? ये सब ऐसे ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, कामायनी में 15 सर्ग है, कामायनी में 15 सर्ग है,
और इसमें 12 सर्ग हैं। आप जो भी इसी प्रतियोगिता परीक्षा लिखेंगे ऐसे ऐसे बिंदुओं को नोट करना है। इसी महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं और ये तो शैली है सर, छोड़िए। उर्मिला पर केंद्रित है काव्य में, उर्मिला उपेक्षित रही है और साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का पूरा वर्णन है। मैं संक्षेप में पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि राजा जनक में सन्यासी और गृहस्थी दोनों के गुण विद्यमान थे। वे राजा भी थे, योगी भी थे और अनासक्त भी। उनकी चार पुत्रियां थी, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति। राम राज सिंहासन को त्याग कर और अयोध्या को तपोवंशी बनाकर लक्ष्मण को साथ लेकर वन चले गए। भरत उनके प्रेम के कारण राजा होकर भी योगी का सा जीवन बिताने लगे। सीता राम के साथ वन चली गई। विरह के आनंद ज्वाला में उर्मिला ने अपने धर्म और मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। अतः उसने अपने आदर्श और त्याग से उस कलंक को धो दिया जो रानी कैकेयी ने अपने निंदनीय कर्म से लगा दिया। लक्ष्मण के वन चले जाने पर उर्मिला विरह में पागल सी हो गई। वो विरह वेदना के कारण प्रीतम के प्रति व्याकुल हो गई कि स्वयं को एकदम अनाथ और असहाय समझ बैठती है और वो तो सभी पदार्थों का भोग केवल इसलिए करना चाहती है ताकि वो जीवित रहे। ये सब कविता में बहुत सारी पंक्तियां हैं, मेरे पास समय नहीं है कि किस प्रकार उनका व्यवहार, उर्मिला किस तरह अपना हर दिन एक एक दिन एक एक ऋतु एक एक मौसम कैसे बिताती है। धीरे की तीव्रता को दिखाने वाली बहुत सारी पंक्तियां ताकि वो जीवित रहे। जीवित रहने के लिए थोड़ा सा भोजन, उसे भोजन भी इतना अरुचिकर लगता है दरबार में, राज दरबार में 14 वर्षों की अवधि को पार करके अपने प्रियतम के दर्शन के लिए वो ललायित रहती है। जब वो देखते हैं कि उसके दुख को देखकर उसकी तीनों सांसें बिलख पड़ती हैं, देवराओं के सिर दुख के कारण झुक जाते हैं और उसकी बहनें भी उसके दुख से दुखी हैं, तो वो और भी अधिक दुखी हो उठती है। अपनी दीनहीन दशा पर उसे भारी व्यथा होती है क्योंकि उसी के कारण तो परिवार के सारे जन दुखी और व्याकुल हैं। वो शलभ को दीपक की लौ पर जलते देखते हैं तो ये निष्कर्ष निकालते हैं, प्रेम की पूर्णता दोनों ओर से, आपने पढ़ी होगी छोटी सी गलता, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। असल में दोनों ओर प्रेम पलना चाहिए, जैसे कि पतंगे के साथ साथ दीपक भी जलता रहता है, यानी दीपक जब जलता है उसमें पतंग आकर गिरता है और पतंग भी जल जाता है, दीपक भी जल जाता है और प्रेम दोनों ओर पलता है। लेकिन अपने प्रियतम के साक्षात्कार के लिए 14 साल तक, हमारे आज के जमाने में कोई 14 साल वेट करेगा इस तरह की पत्नी? आप सोच लीजिए, कोई भी पत्नी ऐसे 14 साल के लिए किसी दूसरे से शादी करके चली जाएगी ऐसा लगता है? 14 साल कोई वेट नहीं करेगा। और लेकिन हमने पुराणों में नहीं सोचा है कि 14 साल ये उर्मिला का जीवन कैसे कटे होगी, ये हमने नहीं सोचा। हर ऋतु की जो भीषणता है, हर ऋतु में उनकी विरह वेदना उद्दीप्त हो जाती है। जैसे आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा होगा श्रृंगार रस, एक प्रकार से विभाव अनुभाव संजारी भाव के सहयोग से विप्रलंब श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है। और बारिश के मौसम में, वसंत के मौसम में, आप एक एक मौसम में उसकी मानसिकता को नवे सर्ग में बताया है। आकाश में उमड़ उमड़ कर घोर बिरहणी जन छा जाते हैं और समूची पृथ्वी जल से भीग कर शीतल बन जाती है, पर बिरहणी उर्मिला को अपनी वेदना से फिर भी मुक्ति नहीं मिलती है। उर्मिला अपने प्रिय से मिलने के लिए इतनी आतुर रहेगी, वर्षा काल में उड़ते हुए खंजन उसे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे प्रियतम ने उधर मन भाई अपने नेत्र फिरा दिए, अर्थात ये लौट कर वापस घर आ रहे हैं। वसंत ऋतु में नवीन पुष्प खिल गए हैं, कोयल मधुर वाणी में गीत गाती है, भौरों की टोलियां आती हैं, सर्वत्र सुषमा दिखती है। लेकिन खिलती हुई कलियों को देखकर उर्मिला को अपने सुख संपन्न दिनों की याद आ जाती है। वो सोचते हैं इन कलियों के समान वो भी कभी खिलती हुई महत्ती हुई कली थी, पर उसे उसका प्रिय भ्रमण लक्ष्मण छोड़कर चला गया।
उसकी सभी आशा रूपी कलियां बिखर गई है, इसलिए उसे कोयल की कूप भी यू की तरह यानी अग्नि की ज्वाला की तरह प्रतीत होते हैं। अपने अपार विरह में ये सब नवम सर्ग पर केंद्र है, ये लास्ट पैराग्राफ है। अपने अपार विरह में उर्मिला को अपने प्रियजन के हित का ध्यान सदा बना रहता है, इसलिए वो उन्हें रोक कर अपने मन को संकीर्ण नहीं बनने देना चाहती है। वो अपने रुदन को भी गीत के समान मधुर मानते हैं, तभी वो सोचती है कि अपने वनवास की अवधि पूर्ण करके उसके प्रियतम आगे हैं, पर वो उनसे मिलने में संकोच कर रही है। वो ये भी स्वीकार करती है कि प्रभु की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जिसने दुख दिया है वही सुख भी देगा, यही साकेत का मूल सार है। मुझे लगता है मित्रों, अभी आपके लिए मुझे लगता है कि साकेत पर और साकेत के नवम सर्ग पर एक विहंगम दृष्टि, एक ब्रॉड आइडिया आपको मिल गया होगा। तो लगता है कि अभी हम अभी समय की पाबंदी को देखकर अगले काव्य पर हमें जाना ही होगा। तो अगर आप 2 मिनट मुझसे किसी से जुड़कर कुछ पूछना चाहेंगे तो स्वागत है। आपके लिए क्लियर है अभी मैंने जो कुछ बताया? क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ो प्लीज सर, आगे बढ़िए सर प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। जैसे ये बहुत संक्षेप में मैंने इधर उधर से साकेत को जोड़ने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही संक्षिप्त है, अत्यंत संक्षिप्त बोलना चाहिए, अत्यंत संक्षिप्त रूप से मैंने साकेत को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अभी मैं आ रहा हूँ कि दिनकर पर मैं आ रहा हूँ, आप देखिए। दिनकर पर मैं पहले एक विहंगम दृष्टि आपको दे रहा हूँ, वैसे 5 मिनट में। जैसे दिनकर आपके लिए परिचित कवि हैं, वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट यानी MP रह चुके हैं। दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं और उनकी कविता में राष्ट्रीयता है, हुंगार, रेणुका जैसी कविताएं हैं, परशुराम की प्रतीक्षा, हिमालय जैसी कविता है, सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंगार भूमि, ये इस तरह कहने वाले कवि हैं। यानी दिनकर उस युग का सूर्य है, यानी परतंत्र भारत का सूर्य रहा है। उन्होंने अपनी कविताओं में हुंगार भरी वाणियों से जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया है। बहुत सारे पद पर भी रह चुके हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं और उनकी प्रमुख विद्या जहाँ कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र युद्ध को लेकर, युद्ध और शांति की शाश्वत समस्या को लेकर लिखी गई कविता है, खंडकाव्य है, उर्वशी उनका महाकाव्य है, रेणुका रेशमी रिधि उनका खंडकाव्य है, कर्ण को केंद्र में रखकर लिखा गया काव्य है, बाकी ये सारे कैसे ये सभी इनके काव्य हैं। उर्वशी आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति है, उर्वशी पौराणिक आधार पर लिखी गई कविता है, महाकाव्य है, उर्वशी की रचना
से उन्हें ज्ञानपीठ मिला है और वो एक प्रकार से क्लासिक रचना है, क्लासिक रचना है, उसका मूल स्वर काम आध्यात्म है, काम आध्यात्म एक शब्द में कहते हैं काम आध्यात्म। कभी कभी नेट वेरिएशन प्रश्न होता है काम आध्यात्म किस कविता के केंद्र में है, ये उर्वशी के केंद्र में है, क्योंकि उसमें ये काम के माध्यम से श्रृंगार के माध्यम से एक प्रकार से हम एक आध्यात्मिक आत्मीय स्तर तक पहुंचने की बात बताई गई है, लेकिन मूल रूप से दिनकर आग और याग की क्रिया है, रागात्मकता है, श्रृंगारिकता है, उसी के साथ ही विद्वेष क्रांति और एक प्रकार से विद्रोह और संघर्ष शब्द ओज और तेज की वाणी आग बरी कविता मिल करके है। चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। दिनकर की पंक्ति है गांधी की रक्षा के लिए गांधी से भागो, ये कहने वाले दिनकर है, यानी अहिंसा के दर्शन पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जब शत्रु इतने बॉम्ब से अनुबम से हमें आक्रमण करते हैं तो गांधी की रक्षा करना है तो गांधी से भागना पड़ेगा, हमें क्रांति मचाना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि उर्वशी का वर्ण विषय राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम गाथा है, उर्वशी का वर्ण विषय राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम गाथा है और इसका प्रसंग ऋग्वेद में मिलता है और इसका आधार आप देखिए ऋग्वेद है। दिनकर ने इस काव्य में सर मैं थोड़ा सॉरी बोल रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब करूंगा। हाँ बोलिए सर। मैथिली स्वर्ण गुप्त जी को भी राष्ट्र कवि कहा गया है और इनको भी कहा गया, रामधारी सिंह दिनकर को भी कहा गया सर। जी 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 जी। अब देखिए दिनकर को आप जब भी चाहे इंटरफेयर कर सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं, मेरे लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, मैं आप में से हूँ और आपके साथ बोल रहा हूँ, इसे आप जब भी चाहे रोक कर, मेरे लिए ऐसा कोई रिकॉर्डिंग सामग्री नहीं है, जब भी आप रोक सकते हैं, मेरे लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है? और ठीक है। और जैसे आपने सही प्रश्न उठाया है कि राष्ट्र कवि की जो बात है, मैथिलीशरण गुप्त ने महात्मा गांधी ने जब उन्होंने भारत भारती काव्य जब यहाँ आजादी की लड़ाई इतने जोरदार पकड़ रही थी उसी समय में ये भारत भारती लेकर वो इतना फेमस हो गए और जन साधारण जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि से संबोधित किया पहले बार, लेकिन दिनकर को हमारे समाज भारत की जनता ने राष्ट्र कवि नाम से संबोधित किया। ये दोनों राष्ट्र कवि हैं, लेकिन गुप्त जी को ये टाइटल स्वयं गांधी जी ने संबोधित करके पुकारा है, गांधी जी ने ही दिया है, लेकिन दिनकर को जनता ने ये टाइटल दिया है। ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है। और माखनलाल चतुर्वेदी भी कहीं आते हैं सर? माखनलाल चतुर्वेदी इसलिए हैं क्योंकि कविताओं में राष्ट्रीय भावधारा की कविताएं हैं, इसलिए हम उनको राष्ट्रीयता होने की वजह से वैसे ही एक आलंकारिक रूप से राष्ट्र कवि पुकारते हैं। लेकिन राष्ट्र कवि नाम से पुकारने वाले दो ही कवि हैं फेमस, एक दिनकर है, एक मैथिली शरण गुप्त है। बाकी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों को राष्ट्र कवि कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसे अप्रूव्ड राष्ट्र कवि नाम से, राष्ट्र कवि कोई भी राष्ट्र कवि है, सभी कवि राष्ट्र के लिए लिख रहे हैं, इसीलिए राष्ट्र कवि। माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत सारी कविताएं लिखी है, उसमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं हैं, इसीलिए लोग प्यार से राष्ट्र कवि कहते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में या राष्ट्रीय काव्यधारा में दो कवि राष्ट्र कवि नाम से टाइटल के लिए पूर्ण रूप से योग्य कवि ये दोनों हैं, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी हो, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, या इस तरह की धारा में आने वाले कवि हो, उनकी कविता में राष्ट्रीयता दी है, इसलिए हम उनको राष्ट्र कवि से प्यार से पुकारते हैं, लेकिन ऐसा कोई टाइटल किसी ने नहीं दिया। ठीक है जी, और कुछ नहीं सर, क्लियर सर। ओके थैंक यू। ठीक है, मैं ये बता रहा था उर्वशी इसके जो मेन पात्र हैं उर्वशी के, आपको याद रखना है राजा पुरुरवा है और उर्वशी है, कौन कौन है मैं उस पर आ रहा हूँ। दिनकर ने
पुरुरवा को सनातन नर और उर्वशी को सनातन नारी का प्रतीक माना है। उर्वशी शब्द का अर्थ है उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा अथवा कामना, तथा पुरुरवा शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो नाना प्रकार की ध्वनियों से आक्रांत हो। उर्वशी चक्षु रसना ध्यान तथा श्रोत्र की कामनाओं की प्रतीक है, तथा पुरुरवा रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य का प्रतीक है। आप देखेंगे कि पुरुरवा एकदम मनुष्य है, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है, सब आप जानते हैं। पुरुरवा धरती, आप देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताने से समझने में दिक्कत होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक प्रकार से समेटना है मुझे। पुरुरवा धरती पुत्र है और उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है। पुरुरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा है और उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। महाराजा है पुरुरवा, वो प्रतिष्ठानपुर के शासक है। स्वर्गलोक में पुरुरवा अप्सरा उर्वशी की एक दानव से रक्षा करते हैं, जिस कारण उर्वशी को पुरुरवा से प्रेम हो जाता है। पुरुरवा भी उसे प्रेम करने लगता है, वो दोनों गंधमादन पर्वत पर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। यानी आप देखिए उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम है, श्रृंगार है, लेकिन पुरुरवा की पत्नी है, उनका नाम है औशी नरी। दोनों गंधमादन पर्वत पर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। उधर राजमहल में पुरुरवा की पत्नी महारानी औशी नरी एक पति परायण स्त्री है, विरह वेदना में जलते हुए भी वो पति की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती है। और महाराज पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम से फलस्वरूप पुत्र आयु का जन्म होता है, एक पुत्र का भी जन्म होता है। पुत्र आयु का पालन पोषण महर्षि च्यवन की पत्नी सुकन्या करती है, तथा आयु के यौवनावस्था प्राप्त करते ही वे आयु को पुरुरवा तथा उर्वशी के पास ले आती है। शाप के कारण उर्वशी अपने पुत्र को देखते ही स्वर्ग चली जाती है। पुरुरवा अपने पुत्र आयु को राज्याभिषेक कर उर्वशी के विरह से संतृप्त हो संन्यास लेकर वन को चले जाते हैं। ये संक्षेप में कथा है। उर्वशी महाकाव्य गीत नाट्य शैली में, ये गीत नाट्य शैली है इसका, इसमें कुल 5 अंग हैं। इस महाकाव्य में जो मुख्य पात्र हैं, मैंने पात्रों के नाम दिया है, पुरुरवा वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी येल राजा है। महर्षि च्यवन प्रसिद्ध भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि हैं, आयु है, पुरुरवा उर्वशी का पुत्र है, महामाते पुरुरवा के मुख्य सचिव है, विश्वमना राज ज्योतिषी है, सूत्रधार नाटक का शास्त्रीय आयोजक है, अन्य पात्र कंजी की सभासद प्रतिहारी प्रारब्ध आदि है। नारी पात्रों में सबसे प्रमुख उर्वशी है, नायिका है, अप्सरा है, सहजन्या रंबा अप्सरा है, मेनका चित्रलेखा उसमें है, ये भी अप्सरा है, औशी नरी है, प्रतिष्ठानपुर की महारानी पुरुरवा की धर्म पत्नी है, निपुणिका मदनिका औशी नरी की सखियाँ हैं, सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी है। आप देखिए यही किसी भूमिका के रूप में मुझे यही इसके बारे में कहना है कि दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उर्वशी को बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और 5 मिनट में देखिए उर्वशी दिनकर का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है और वर्ण विषय राजा पुरुरवा और उर्वशी का प्रेमाख्यान है। ये कथा वस्तु जितनी प्राचीन है भारतीय साहित्य के लिए उतनी परिचित और ग्राह्य है, और काम का उदात्त रूप धन की सीमा का अतिक्रमण करके प्राप्त होता है। असल में दोनों में बड़ा श्रृंगार है, प्रेम है और काम भी है। काम उदात्त स्तर पर पहुंच जाता है। उर्वशी में प्रमुख श्रृंगार रस का
प्रयोग हुआ है इस रस की, उनके विषय इसकी व्यापकता होती है, इसलिए रस आ जाए। उर्वशी में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष दिखाए हैं। महाराजा पुरुषोभा उर्वशी को एक निशागर से बचा लेता है, जिससे उर्वशी के शौर्य वर्ग पर आसक्त हो जाते हैं। महाराज के स्वर्ग लोक से अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर लौटने पर उर्वशी को स्वर्गिक सुख नीरस लगता है और वो पुरुषोभा के दोनों आकृष्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति मग्न हो जाते हैं। यही इसमें मुख्य रूप से है। और महाराज पुरुरवा भी उर्वशी के लिए व्याकुल है, क्योंकि जब से दोनों का मिलन हुआ दोनों में प्रेम जगा है, उनका मन भी उदास हो जाता है। और महाराज पुरुरवा और उर्वशी का मिलन अंत में हो जाता है, सुख में मग्न पुरुरवा को अपने असीम आनंद को व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं मिल पाते, उर्वशी भी उसी असीम आनंद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कवि ने उर्वशी को पुरुरवा के प्रेम के माध्यम से श्रृंगार रस को विस्तृत रूप दिया है। और उर्वशी महिला प्रधान चरित्र महाराजा पुरुरवा की पत्नी अवशी नदी की विरह वेदना भी मर्म स्पर्शी है काव्य में, ये भी एक अलग पक्ष है। अवशी नदी को कवि ने चिंतन का माध्यम नहीं बनाया, उनकी विवशता और विरह को मुख्य रूप से दिखाया है। मैं पंक्तियों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पंक्ति का विस्तार नहीं दे पाऊंगा समय में। नारी की असहायता को कवि ने बहुत ही मार्मिक रूप से अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। नारी अपने दुख को जीव तक लाने में भी असमर्थ होती है। अवशी नदी की बहुत सारी पंक्तियां हैं। उर्वशी का कलापक्ष पुष्ट और अद्वितीय है, उसकी भाषा प्रौढ़ और भावों का अनुसरण करने वाली है। और आप देखिए इसका तृतीय अंग में, तृतीय अंग को बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि तृतीय अंक गंधमादन पर्वत पर उर्वशी के मिलन में रत रहते हुए विचार करता है कि इंद्र से उर्वशी के लिए अनुरोध करें, परंतु फिर भिक्षा मांगना राजा के लिए प्रतिकूल धर्म मानता है, अपहरण नीति विरुद्ध मानता है, स्वर्ग पर आक्रमण करना भी वो धर्म विरुद्ध मानता है, वो बिना कारण सैनिक की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना चाहता और प्रेम में विफल मनुष्य अंदर द्वंद में उलझ जा रहता है, क्या सही क्या गलत वो इसी निर्णय को करता रहता है। प्रस्तुत काल में दिनकर भी एक प्रमुख उद्देश्य भी रहा है कि काम की अग्नि मंद होने पर ज्ञान की ज्योति भी शांत हो जाती है। पूर्व के हृदय में ज्ञान फिर प्रज्वलित होता है। प्रत्येक मानव अपने वासनात्मक क्षेत्र से ऊपर उठने का प्रयत्न करता रहता है। आत्म प्रेम के वशीभूत होने पर सौंदर्य केवल दर्शनीय वस्तु ही रह जाता है। मानव को इन काम विषय के आकर्षण से मुक्त होने में अनेक बाधाओं से गुजरना पड़ता है। पुरुरवा की कामना मानवत्व से देवत्व तक प्राप्त करना चाहती है, मानव की देवत्व, क्योंकि आप देखिए पुरुरवा की कामना मानवत्व से देवत्व प्राप्त करना है, लेकिन उर्वशी क्या चाहती है, उसी देव दुनिया से मनुष्य की दुनिया में पहुंचना चाहती है। और देखिए मानव की देवत्व प्राप्त करने की आकांक्षा तथा कामाग्नि उसे बौद्धिक संसार के जाल में फैला रहती है। काम धर्म काम ही पाप है, काम किसी मानव को उच्च लोक से गिराहीन पशु जंतु बना देता है, यानी काम का फिलोसफी आप देखिए कामम, और किसी मन में असीम सुषमा की तृषा जगाकर पहुंचा देता उसे किरण से गीत आदि उच्च शिखर पर। उर्वशी पुरुरव के सामने प्रश्न उठाते हैं, निर्जन स्थानों में मौन रूप में ब्रह्म व्याप्त है, नभ में ज्योति पुंज बनाकर पाताल में अंधकार बनाकर बनकर व्याप्त है, यदि ब्रह्म प्रत्येक वस्तु में है तो कुछ वस्तुओं से वो पलायन क्यों है। गुरुरवा ऐसी कौन सी नई बात है
जो कि मैं शून्य की ओर आकर्षित कर रही है। इस तरह आप देखें ये तृतीय सर्ग में है, एक प्रकार से प्रेम का उदात्त रूप, पुनर्वा भोग आनंद को छोड़कर अलौकिक आनंद की ओर प्रवृत्त होता है। अतः संपूर्ण काव्य में प्रेम उदात्तीकृत रूप की व्यंजना हुई है। पुनर्वा पुत्र आयु को ऐशिनरी को सौंप कर वानप्रस्थ की ओर चल जाता है। ऐशिनरी आयु की जन्मदात्री न होने पर भी निर्विरोध अपनाती है। उसकी विनम्रता और समर्पित भावना अद्वितीय है। दिनकर जी ने अपने इस उर्वशी महाकाव्य में नारी के स्वरूप को विराट अभिव्यक्ति दी है। ये आप देखिए विशेषकर जो अगर आप संक्षेप में देखना चाहेंगे तो देखिए उर्वशी वो पंक्तियों में छोड़ रहा हूँ, पंक्तियों को विस्तार देना पड़ेगा। उर्वशी का प्रकाशन 1961 में हुआ, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए समझ में आए। पुराण प्रसिद्ध गुरु उर्वशी कथा संकलित है, नाटक की बांधि पांच अंकों में इसलिए गीत नाट्य बताया गया। काव्य रूपक प्रतीकांत स्थान पर रंगमंच संकेत दिए। उर्वशी कवि की समसामयिक विचारधारा के साथ साथ उनके जीवन दर्शन का भी द्योतक है। नर नारी की प्रेम समस्या पर उसने गंभीरता और सूक्ष्मता के साथ विचार किया है। ध्यान देने की बात है कि उन्होंने सौंदर्य और आसक्ति तथा कर्तव्य और प्रेम में कोई अंतर नहीं किया है। और उर्वशी में वर्तमान युग के व्यक्ति के अंदर द्वंद्व का चित्रण हुआ है। स्वयं दिनकर की दृष्टि में पूर्वी सनातन नर का प्रतीक है, उर्वशी सनातन नारी का। उर्वशी पंचेंद्रियों की कामनाओं का प्रतीक है, तो पूर्वी इंद्रिय संवेदना से प्राप्त सुखों से उद्वेलित मनुष्य है। जिस प्रकार धर्म का उद्भव भय से और कला का जन्म काम से होता है, उसी प्रकार देवती की कृष्णा रूप के निराकार भाव से उपजती है। उर्वशी का कवि कहता है जीवन में सूक्ष्म आनंद और निरुद्देश सुख के जितने भी सोते हैं वे कहीं न कहीं काम के पर्वत से फूटते हैं। जिसका काम कुंडित उपेक्षित और अवरुद्ध है वो आनंद के अनेक सूक्ष्म रूपों से वंचित रह जाता है। देखिए आप काम बहुत जरूरी है, काम को महत्व दिया है इसमें। जो काम से काम वर्जित है अवरुद्ध है वो अनेक कुंडाओं से बहुत सारे साइकोलॉजिकल समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उर्वशी का मूल विषय काम एवं अध्यात्म के बीच सामंजस्य की खोज है। काव्य दर्शन और मनोविज्ञान द्वारा जीवन के काम वर्ष की व्याख्या करता है। काम या प्रेम के अनेक रूप हैं। उस पर हम भली बात जानते हैं कि मानव चेतना का आधार तो इंद्रिया मन और आत्मा एक प्रकार से कुछ साइकोलॉजिकल भी है इसमें, लेकिन उसके केंद्र में प्रेम और काम है। ये आप देखिए भविष्य में नर नारी के प्रेम की अशरीरी आनंद पैर को प्रश्न किया है। प्रेम का जन्म काम में होता है किंतु उसकी परिणति काम के अतिक्रमण में होनी चाहिए। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है, प्रेम सेक्स से भिन्न है, क्योंकि सेक्स केवल शारीरिक स्तर की अनुभूति है, जबकि प्रेम की अनुभूति में शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों अनुभूतियाँ समन्वित रहती है। इसलिए काम आध्यात्म बताया गया है, क्योंकि प्रेम सेक्स से भिन्न है, क्योंकि सेक्स केवल शारीरिक स्तर की अनुभूति है, जबकि प्रेम की अनुभूति में शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों अनुभूतियाँ समन्वित रहती है। इसीलिए दिनकर मानते हैं प्रणय अनासक्ति के गंगा जल में स्नान कर पवित्र हो जाता। किंतु प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करना मानव मात्र के लिए सहज नहीं है, इसे पाने के लिए विशिष्ट होना चाहिए। अंतिम में नहीं पढ़ूंगा तो स्थूल से सूक्ष्म में लौकिक से अलौकिक की ओर प्रस्थान ही पूर्वशी काव्य का प्राण स्वर है। दिनकर ने दिव्य एवं उज्ज्वल प्रेम का निरूपण भी किया है। दिनकर ने देह से उत्पन्न होने वाले प्रेम को देह से चिंतन तक पहुंचा दिया है। शारीरिक प्रेम से आत्मिक प्रेम पैदा होता है। तृतीय अंक में आप देखिए पूर्वी और गंधमान पर्वत पर है, धरती और
स्वर्ग के बीच में, ये गंधमादन पर्वत जो है धरती और, ये सब कल्पना है, काल्पनिक है, धरती और स्वर्ग के बीच में है गंधमादन पर्वत, वही है दोनों। और पुरुरवा धरती का धर्म छोड़कर स्वर्ग के धर्म को ग्रहण करता है, तथा उर्वशी स्वर्ग का धर्म छोड़कर आसक्ति की वेदा को भोग रही है। प्रकृति से उद्भूत बिंब को, बिंब में भावों को अभिव्यक्त करने की गहरी शक्ति होती है। गंधमादन पर्वत का बिंब आंगों के सामने उभर कर आता है, और प्रेम की व्याख्या इसमें अधिक हुई है, और पुरुरवा और उर्वशी की यानी उनका आत्मज्ञापन करने लगते हैं, ये कर्म नहीं क्रिया है, क्रिया नहीं प्रतिक्रिया। बुद्धि और कामना के द्वंद से उत्पन्न मनुष्य के अंदर मन की झांकियों को दिन करने अपने विचार एवं कल्पना के माध्यम से बांध लिया है। भूमिका में दिनकर ने लिखा है, भूमिका की पंक्तियां हैं। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते उसे मन में, मन के समुद्र में फेंक देती है। जब दैहिक छेदना से परे वो प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंच कर निष्पन्द हो जाता है, और पुरुष के भीतर एक और पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिसे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श ही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। आप देखिए इतना आसान नहीं है ये सब समझना, बहुत सारी साइकोलॉजी बातें इसमें आ गई है। प्राण की चिर संगिनी ये वनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो, मरते नर का भाग्य जब तक प्राण की धारा नहीं मिलती आप अपनी आग में जलते रहो। आप देखिए जब तक प्रेम की धारा नहीं मिलती आग की ज्वाला, आग में आप जलते रहेंगे। इसलिए प्रेम सब कुछ है, प्रेम सब कुछ है, प्रेम को उदारता के स्तर तक पहुंच जाने का प्रयास किया गया है। यही संक्षेप में इसके बारे में मुझे कहना है कि ये जो है मुझे लगता है कि आपको इस प्रकार से थोड़ा सा ये मिल गया होगा इसका, आप आपने समझ लिया है एक जनरली। हेलो हेलो जी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या लगा है आपको? हेलो क्या पीडीएफ फाइल विल बी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी? हेलो हाँ रवि जी बोलिए। The PDF which is shown in the screen, whether it will be available in the library, ji? ये मिल जाएगा आपको सामग्री। आपके लिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके लिए ये मिल गया था क्या? ये क्या है? Notes? हाँ, Notes मिल गया ना आपको? Yes. हाँ वो नोट्स अभी आप देखिए, वो नोट्स आप ठीक तरह से पढ़िए, और आप देखिए ये जो उर्वशी काव्य है इतनी जल्दी जल्दी बोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक भी है, थोड़ा सा आध्यात्मिक भी है, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है, थोड़ा सेंसिटिव भी है, सेंसिबिलिटी के स्तर पर इसे धीरे धीरे समझाना पड़ता है। लेकिन आप सब बड़े लोग हैं, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया है, क्योंकि आराम से बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे रवि जी आप क्या बताना चाहते हैं? प्रभावती हाँ जी नमस्ते जी। जी अभी ऊर्मिला साकेत में कई कविताएं हैं हमारा किताब में, ये पूरा लिखने के आवश्यक है जी एग्जाम में? आप देखिए
आपको क्या समझना है, मुझे आपका क्वेश्चन पेपर मालूम नहीं है। अगर आपके कविता का अंश मतलब कोटेशन, आपको सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए अगर नहीं है तो आप सारांश पढ़ लीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर सप्रसंग व्याख्या कविता की पंक्ति देकर उसकी व्याख्या लिखने के लिए नहीं है तो आप सारांश पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, एक कविता का अर्थ। हाँ, कविता का अर्थ है, अर्थ क्या है, उसका संदेश क्या है, उसकी समीक्षा क्या है, कविता की समीक्षा पढ़ लीजिए या टोटली उसका भावार्थ आप समझ लीजिए, वो काफी है आपके लिए। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये दिनकर की उर्वशी भी बहुत ही क्लासिक पोएट्री है, लेकिन उसका एक एक लाइन लेकर एंजॉय करना पड़ेगा, उसके एंजॉयमेंट, साहित्य का एंजॉयमेंट कहाँ है, जब आप एक एक कविता की पंक्ति लेकर बताएंगे तभी उसका एंजॉयमेंट है। ठीक है, ओके जी, ओके जी, धन्यवाद जी जी जी। अभी देखिए आपके पास हमारा पूरा समय ऐसे निकल रहा है, और अभी आगे मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। हमारे लिए दो कवि रह गए हैं, एक ये दोनों कठिन कवि है, दोनों कठिन कवि हैं, अज्ञेय और मुक्तिबोध। अज्ञेय और मुक्तिबोध को मैं बहुत ही कम समय में समेटने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, जैसे आप देखिए अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, 1943 में हिंदी कविता में जो प्रयोगवादी आंदोलन हुआ है, प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अज्ञेय, प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय को माना जाता है। और अज्ञेय जैसे हिंदी साहित्य में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए उन्होंने पूरे एक समय पर पूरा का पूरा वे हावी रहे, और उनकी उसी पूरा युग प्रयोगवाद का युग जो है अज्ञेय ही उसका मेरुदंड है, उसके केंद्र में उसके मूल धुरी के रूप में अज्ञेय रहा। भग्नदूत सिंधा इत्यलम हरिघास प्रचंडर बावरा हेरी इंद्र धनु रवंदे हुए ये आंगन के पार द्वार कितनी नाम कितनी बार, आप जानते हैं 1978 में उनको कितनी नामों में कितनी बार कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और पाश्चात्य अस्तित्ववाद और फ्रॉयड के मनोविज्ञान से मनोविश्लेषणवाद से सबसे अधिक प्रभावित कवि है अज्ञेय। उन्होंने जितनी यूरोप की यात्राएं की हैं, लेकिन उनको लगा है कि सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति है, इसलिए कितनी नामों में कितनी बार यात्रा करने के बावजूद भी उनको लगा है भारतीय संस्कृति ऐसे एक दीप ज्वाला है, हमेशा जलती रहती है, कोई शाश्वत है, ये पहचान है। सदा नीरा नाम से उनकी कविताओं का संपूर्ण संकलन आया है, सदा नीरा यूजीसी परीक्षा में प्रश्न आएगा, सदा नीरा के की संपूर्ण कविताओं का संकलन है सदा नीरा। और आप देखेंगे और वैसे असाध्य विनय जैसी कविता है, ये हरी घास प्रचंड नदी के देव नदी, उन्होंने वेष्टि और समष्टि के चित्र को हमारे सामने रखने का प्रयास किया। ये दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मधु माता इसको भी पंक्ति को दे दो, इस प्रकार के समय अपनी व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए समष्टि को समर्पित करने का आग्रह किया है। ये हम नदी के देव है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, हम नदी के देव है, हम नदी के देव कहते समय नदी क्या है, समाज है, नदी समाज है, दीप का है क्या है, दीप व्यक्ति है, दीप व्यक्ति है, व्यक्ति को अगर समाज को छोड़कर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, अगर चारों ओर पानी बहता रहता है तभी दीप का अस्तित्व रहता है। इस पर अज्ञेय ने अज्ञेय के बारे में अहमवाद का आरोप है, लेकिन अहम का विलयन भी अज्ञेय की कविताओं में देख सकते हैं। चार सप्तक परंपरा के संपादक के रूप में, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में कविता में नवीन नवीन प्रयोग को उन्होंने लाया। जैसे आपने सुना होगा ये उपमान मैले हो गए हैं, इस तरह की पंक्ति
उनको लगता है कि सारे के सारे उपमान मैले हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, इसलिए उन्होंने नए शिल्पों का अन्वेषण उन्होंने हमेशा किया है। अज्ञे की कविता में अहमवाद है, व्यक्ति है, समाज है, व्यक्तित्व को बरकरार रखने की चेष्टा है, प्रणय है, प्रकृति है, प्रकृति की सूक्ष्म सूक्ष्म प्राणियों का चित्र देखने को मिलता है, और क्षणवाद के क्षणवाद का महत्व है अज्ञे की कविताओं में, और अज्ञे की कविता में वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक अप्रोच अज्ञे की कविताओं में देख सकते हैं, और एक प्रकार से व्यष्टि का समष्टि के प्रति समर्पण का भाव देख सकते हैं। बहुत सारे बिंदुओं का प्रतीक अज्ञे ने किया है, बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग अज्ञे ने किया, आत्मान्वेषण की प्रवृत्ति अज्ञे की कविता में है, आत्मान्वेषण असाध्य वीणा की बहुत चर्चित कविता है, लंबी कविता है, एक चीनी एक जापानी लोक कथा के आधार पर ये असाध्य वीणा नामक लंबी कविता लिखी है। ये की क्लासिक रचनाओं में असाध्य वीणा की चर्चा बार बार की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञे की कविताओं में और आप देखिए अज्ञे की जो कविता है एक प्रकार से व्यक्ति की व्यापक सत्ता विराट उसी के सृजन में संपूर्ण सृजन रद रहता है। कवि की मान्यता है समाज को सही रूप से व्यवस्थित करने के लिए उसकी इकाइयों को मानव बनने बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। गंभीरता पर उनकी कविताओं का विश्लेषण करने से ये बात भी स्पष्ट है कि असामाजिक अव्यवहारिक कोई आदर्शवादी वे नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक पद है, साथ ही साथ व्यक्ति के यानी व्यक्ति सत्ता को कविता की कसौटी मानने वाले कवि हैं, क्योंकि कविता में व्यक्ति की सत्ता को अस्तित्व को स्थापित करने की चेष्टा हम देख सकते हैं। और यही मूल रूप से अज्ञे की कविता है। अगर आप कुछ अज्ञे की कविता पर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न, मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि अज्ञे का बहुत विशाल काव्य संसार है, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अज्ञे को बहुत ही कम समय में समेटना संभव सा है, लेकिन अज्ञे की किसी एक कविता पर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं स्वागत करूंगा। कुछ कहना आपको? नमस्ते जी। हाँ जी जी, क्वेश्चन पेपर में केवल कवि का नाम दिए हैं, हाँ, क्या इसके उत्तर केवल कवि परिचय लिखना है? इज इट इनफ सर? ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर कवि का नाम दिया है इसका मतलब है कवि परिचय देना मात्र नहीं है, कवि परिचय भी देना है, उसके साथ ही आपको उनकी काव्य कला है, उनकी काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में लिखना है, उनकी कविताओं के बारे में लिखना है। आपको लिखना होगा कि जैसे नदी के द्वीप कविता है उसमें व्यक्ति और समाज के बारे में बताया है, व्यक्ति की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने लिखा है, और इस तरह की बहुत सारी कविताओं पर असाध्य वीणा जैसी कविता है, अज्ञे के आंगन के पार द्वार नामक कविता है, बावरा हेरी नामक कविता है, हरि ओ करुणा प्रभामी नामक कविता है, हिरोशिमा नामक कविता है, हिरोशिमा आगे बता दें कि हिरोशिमा एक दिन सूरज उगा, सूरज आसमान से नहीं नीचे धरती से उगा है, ऐसी ऐसी बहुत सारी कविता अज्ञे की, इन एक कविता पूरा का पूरा जो काव्य संसार है उसका जितना परिचय कर पाएंगे उसका परिचय देना पड़ेगा। ठीक है जी।
ठीक है जी, मैं आपको 5 मिनट में मुक्ति बोध का परिचय देना चाहूंगा। देखिए आप, मुक्ति बोध को बहुत ही कठिन कवि माना जाता है, इसे देख रहे हैं आप लोग? जी जी हाँ, देख रहे हैं ना आप लोग? यस सर, यस सर। मुक्ति बोध आप जानते हैं चार सप्ताह के कवि हैं, लेकिन विशेषकर नई कविता के प्रमुख विचारधारा से उनकी कविताएं ओतप्रोत हैं। मुक्ति बोध की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताऊंगा, फैंटेसी के कवि, आधुनिक कविता में या नई कविता में सबसे अधिक फैंटेसी को इस्तेमाल करने वाले कवि के रूप में मुक्तिबोध फेमस है। बहुत सारे बिंबों का, प्रतीकों का, फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है, आप सुने होंगे। चांद का मुंह ठहरा है उनकी फेमस कविता है, भूल गलती उनकी फेमस कविता है, ब्रह्म राक्षस उनकी फेमस कविता है, अंधेरे में उनकी बहुत चर्चित कविता है, और अज्ञे ने जीवन को अलग ढंग से देखने का प्रयास किया है। अंधेरे में जैसे फिल्म का फोटो का रील निकालते हैं, आप जानते हैं पुराने समय में फोटो का रील अंधेरे में निकालते थे नेगेटिव, उसी तरह उन्होंने जीवन का, हमारी जिंदगी का, हमारी समस्याओं का रील अंधेरे में निकालने का प्रयास उन्होंने किया है। परिचय सब आपके लिए परिचित है, मैं उसको नहीं बोलूंगा। चांद का मुंह ठहरा है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध उनका बहुत चर्चित निबंध संकलन है। नई कविता का आत्मसंघर्ष एक साहित्य की डायरी बहुत फेमस है, काट का सपना कहानी संग्रह है, और सतह से उठता आदमी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार अक्सर नेट जैसी परीक्षाओं प्रश्न आता है, कामायनी एक पुनर्विचार। और एक उपन्यास भी है विपात्र नाम से, आपने शायद सुना होगा विपात्र। यानी मुक्तिबोध का, मुक्तिबोध की कविताएं जैसे ब्रह्मराक्षस जैसी कविताएं, उन्होंने बिंबावलियों से बात करने का प्रयास किया है, बिंबों के साथ बात करने का प्रयास किया है, और कपट बुद्धिजीवियों का बहुत ही उन्होंने उसमें एक प्रकार से व्यंग भी किया है ब्रह्मराक्षस जैसी कविता के माध्यम से। अंधेरे में जैसी कविता है, काफी फेमस कविता है अंधेरे में, मुक्तिबोध की बहुत ही चर्चित एक कविता के रूप में अंधेरे की चर्चा की जाती है, अंधेरे में कविता है। और आप देखेंगे कि मुक्तिबोध ने सर्वहारा के संघर्ष को अपनी कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, सर्वहारा के संघर्ष को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अंधेरे में एक लंबी कविता है, और इसका इसमें आप देखेंगे किसी एक कथा पर आधारित नहीं है, और अपने कुछ जीवन के ऊहापोहों से गुजरने वाली एक कविता है, और इसमें एक विशेष मानसिकता है, उस विशेष मानसिकता को कवि प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी यातना, उसकी संवेदना, उसके चिंतन से बनी हुई कथा है। और कवि की आत्मकथा एक ऐसे कवि की आत्मकथा है जो अपने में डूबा हुआ न होकर बाहर से जुड़ा है, किंतु ऐसा भी नहीं है कि वो अधिकांश प्रगतिवादियों की तरह मात्र बाहर है, इसलिए उसके भीतर और बाहर की कथा के सहज और टकरावट से एक ऐसी कविता बनती चलती है जो अपनी संवेदना में जटिल है, बहुआयामी है और नाटकीय भी है। इसीलिए वो कविता को दुरूह भी बताया जाता है, दुरूह है, टकराहटें बाहर भीतर की ही नहीं, बाहर और बाहर, भीतर और भीतर की भी टकराहट कविता में देख सकते हैं। एक विशेष प्रकार की
कविता है, और ये जो द्रोहदा केवल कविता की विधि को मानती है, कविता कहने के संगत और असंगत तथा परस्पर विरोधी व्याख्याएं भी हमें करने के लिए मौका देती है। इस प्रकार की कविता है ये जो क्या है अंधेरे में जैसी कविता। और ब्रह्मराक्षस जो कविता आपने सुना होगा, ब्रह्मराक्षस मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता है, फैंटेसी की कविता बताई जाती है, फैंटेसी की कविता है। पूरी कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव आप देख सकते हैं, पूरी कविता में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। और इसमें क्या है, कहा जाता है कि यदि कोई विद्वान ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण आत्महत्या कर ले या उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए तो वो प्रेत योनि में जन्म लेकर ब्रह्म राक्षस बन जाता है। एक मिथकीय कथा है, एक पौराणिक कथा है, यानी किसी ब्राह्मण का असामयिक मृत्यु होने पर वो प्रेत योनि में जन्म लेकर ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेता है। प्रसुद्ध कविता में जिस ब्रह्म राक्षस की बात की गई है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रदत्त है। मुक्ति बोध की एक वो उन्होंने सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को लेकर एक प्रकार से प्रतीकात्मक अर्थों को देने का प्रयास किया है, यानी उनके अनुसार मार्क्सवादी विचारधारा का भारत से अस्तित्व क्रमशः धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों का अब उसे मोह ही नहीं रहा। वर्तमान समय में भारतीय मार्क्सवादी विचारधारा को अपने तथा देश के लिए खतरा मानते हैं, यानी बुद्धिजीवी लोग अपने मन के विचारों को बाहर साधारण जनता तक पहुंचने में असमर्थ हैं, ये भी ब्रह्म राक्षस ने दिखाने का प्रयास किया गया है। और मार्क्सवादी विचारधारा जो अपने समय में तीव्रता से प्रवाहित हुई थी लेकिन तत्कालीन विद्वानों ने अपने जीवन में उतारा, लेकिन अन्य लोगों को भी उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या हुआ, इस विचारधारा के समाप्त होने पर मुक्ति बोध के अनुसार उन्हें यह संदेह है कि ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है संसार में अन्य विचारधाराओं की अपेक्षा नवीन व समष्टि युक्त चेतना से पूर्ण थी तथा समानता की प्रतीक थी, वो समाप्त होने के कगार पर कैसे आ सकती है। एक प्रकार का असमंजस और कन्फ्यूशन हमें ब्रह्मराक्षस कविता में एक प्रकार से बुद्धिजीवियों का मानसिक संघर्ष दिखाने का प्रयास ब्रह्मराक्षस में मुक्ति बोध ने किया है। और मुक्ति बोध की बहुत सारी कविताएं हैं, उन्होंने शोषित पीड़ित वर्गों के प्रति, सहानुभूति सर्वहारा के प्रति, मजदूरों के प्रति, शोषितों पीड़ितों के प्रति प्रगतिवादी रवैया अपनाया है, प्रगतिवादी विचारधारा को अपनाया है। और जनता के कवि के रूप में वर्ग वैषम्य को मिटाने का प्रयास बोध ने किया है, जनता के यथार्थ को, पीड़ा को, संद्रास को प्रस्तुत किया, पूंजीवाद का कड़ा विरोध उन्होंने किया है। पूंजीवाद का विरोध आद्यंत हम देख सकते हैं, पूंजीवादी सभ्यता का जिस तरह से मुख्य बोध ने विरोध किया है। वो चांद का मुंह ठहर रहा है, आप जानते हैं विमानों की नवीनता से ही, और वे संघर्ष से जुड़े हुए हैं। मुख्य बोध का आत्मसंघर्ष हम कविताओं में देख सकते हैं, मुख्य बोध की अधिकांश कविताओं में आत्मसंघर्ष देख सकते हैं। और मुक्ति बोध ने प्रयोगवाद को भी अपनाया है, प्रगतिवाद को भी अपनाया है, नई कविता को भी अपनाया है, और मार्क्सवादी विचारधारा को भी अपनाया है। और मुझे इतना ही कहना है कि मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही संक्षेप का ही एक सत्र रहा है, लेकिन कम समय में मैंने कोशिश की है जितना भी आपसे मैं बात कर पाओ, ये मैंने प्रयास किया है। हमारे किताब में उर्वशी कविता के बारे में कुछ नहीं, ये सब बड़ी दिक्कत है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अभी समय भी 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा मेरे लिए रखा गया था पर अभी 1.5 घंटा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए मुझे अभी जो भी कवि है उनको थोड़ा सा बताने का समय मिल गया है। मैं समझता हूँ कि अभी समझने का समय है। अगर आपके लिए कोई भी प्रश्न मुझसे आप खुले तौर पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि कविता को केंद्र में रखकर या और किसी हिंदी साहित्य को केंद्र में रखकर या कुछ भी, आपके सभी प्रश्नों का मैं स्वागत करूंगा। मैं
मेरे लिए बड़ी खुशी होगी कि आप जो भी प्रश्न पूछेंगे तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता होगी। आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपके प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूँ, और आपके प्रश्न ही जरूरी नहीं है, आपका कमेंट भी मैं स्वागत करूँगा, या मेरे 4 दिनों का जो लेक्चर है उसी पर भी मैं आपका आपकी प्रतिक्रिया फीडबैक मैं जानना चाहूँगा। आप एक एक मिनट बोलते जाइए, जल्दी कुछ भी बोलना है समय नहीं। सर मैं साकेत को सिर्फ आधा पढ़ने में ही मैं 3 घंटा लगे दिए थे कल। अच्छा। और आप इतनी अच्छी से पूरा कर फर्स्ट हाफ में ही बहुत अच्छा तरह पढ़ाए सर, थैंक यू सो मच। आप देखिए साकेत को समझने, बाकी का जी साकेत को समझने में आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, पूर्वेशी को समझने में आपको 5 महीने लग जाएंगे, मुक्तिबोध और अज्ञेय को समझने में 6-6 महीने लग जाएंगे, और इन सभी को 1 घंटे में समझना लगभग असंभव काम है। मैं लॉकडाउन में भी पुस्तक जो भी है ओपन की थी, पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो जब जो कुछ मैं कोशिश किया 1.5 घंटे में मेरी जो बुक है आधुनिक कविता सब कुछ सो क्लियर, थैंक यू सो मच सर। आपका जो हिंदी है विदाउट यूजिंग हार्ड वर्ड्स ऑफ हिंदी इट्स सो क्लियर। जी 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 धन्यवाद 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 का भाई, it's so simple words that you use to teach, thank you so much sir. Okay, welcome. Aapka representation bhi mujhe bahut acha laga. Most welcome. Mujhe yes sir, mujhe andaaza aaya ki main kaise likh sakta hu. Acha theek hai na, aap sabhi likh payenge, koi dikkat nahi hogi, aap sabhi likh payenge, theek hai sir. Thank you so much. Aapke liye main hamesha aapka swagat hai, aap jab bhi chahe mujhe sambandh bhi kar sakte hain, baat kar sakte hain, koi dikkat. Thank you so much. आप ऐसा कीजिए, आप because even one student has told there is nothing about Urmila in book kitab which was supplied to us. Okay. So that is the problem. Okay. If you post it in the library, it will be useful for us. अच्छा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आपका कोई ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ। आप लोगों का ग्रुप है क्या? हाँ जी डिस्टेंस वालों का एक ग्रुप, आधा ग्रुप इज देयर। आप देखिए, आप मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप में से एक व्यक्ति का ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए, ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए, मैं मेल करता हूँ। Yes, giving जी। Just a minute. आप इसमें चैट बॉक्स में डालिए। हाँ, yes. मैं देखता हूँ। चैट बॉक्स में ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा नोट्स भेज दूंगा। तो उसी से आप सहायता ले सकते हैं, वो रवि जी से आप लोग थोड़ा सामग्री इकट्ठा कर लीजिए, रवि जी से दूसरों को पास कर सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद जी। ओके राइट, और कोई बोलिए, आपकी आपको क्या लगा है इसी पूरे क्लास से, आपकी जो क्या प्रतिक्रिया है मैं जानना चाहता हूँ। हाँ सुबैया,
हाँ सर, ये जितने भी आपने क्लास लिए हैं बहुत बढ़िया सर, क्योंकि संक्षेप में आपने दिए, एटलीस्ट कम से कम तो हमें समझ में आया था, नहीं तो हमें दिन भर या महीने भर एक यूनिट को पढ़ना पड़ता है। अच्छा जी आपने 10 या 15 मिनट में जो भी सिखाया मैक्सिमम कवर हो गया लग रहा है सर, जी, इसलिए ठीक आपके जो क्लासेस हैं बहुत धन्यवाद सर, और हमारे लिए बहुत लाभदायक लगेगा लग रहा है इम्तहान के लिए है जी। अभी सर। आप और देखिए, आप एक काम कीजिए, ये सब, हाँ एक मिनट, अभी आपका जो बहुत सारे लोग इसमें ईमेल आईडी डाल रहे हैं। सर, और एक बात है, हाँ बोलिए। ये जो प्रयोगवाद कवि अजय उसे उच्चारण करते हैं या अन्य उच्चारण करते हैं सर? अन्य मैं बताऊंगा आपको, या अजय है सर? उसका उच्चारण है अज्ञेय है, अज्ञेय अज्ञेय। आप अंग्रेजी में जी स्पेलिंग में बताता हूं, ये और जी वाई जी ई हाँ वाई। ओके ओके जी आप देखिए, ठीक मैं है हाँ अज्ञेय का मैसेज भेजता हूं, आप देखिए इसका उच्चारण ठीक है सर ठीक उच्चारण आप देखिए, मैसेज जैसे इसमें चैट बॉक्स में आ गया, ठीक है सर समझ गया आगे हाँ अज्ञेय। इसका हिंदी में सही उच्चारण है अज्ञेय, ठीक ठीक है सर ठीक अज्ञेय बोलते हैं है। हाँ गा गा होता जी है, हाँ जी ओके सर जैसे ओके अगर अगर आप देखिए इसे जी हम हिंदी में टाइप करेंगे तो ये इस तरह आएगा, आप जी देखिए, आ इसमें है आप देखिए इसका उच्चारण इस तरह है, चैट बॉक्स में देखिए। हाँ ठीक है सर चैट बॉक्स में देख रहा है अगे ना, हाँ आगे ये सही, ग्राहक इसका सही उच्चारण देखिए है। का आप जब देखिए ये, या का जी आप देखिए ये शब्द जो है, ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूं, ज्ञान ज्ञान है, इसका हाँ उच्चारण ज्ञान 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 बोलते है। हैं जी ज्ञान बोलते हैं हम, संस्कृत का बहुत बड़ा प्रभाव है इसलिए है, लेकिन हिंदी जी में इसका उच्चारण ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान ओके ओके ज्ञान है। इसीलिए जो हिंदी दर प्रांत के जो लोग हैं, हम जैसे लोग गलत बोलते हैं, और हिंदी जी वालों को ये बहुत अटपटा और इतना अटूट, इतना ये ठीक नहीं लगता है, इसलिए कि ये जी इसका कारण प्रमुख रूप से क्या है कि हमारा उच्चारण गलत है, जी हम सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, जी ठीक है। ओके सर धन्यवाद सर धन्यवाद थैंक जी यू और कौन बोलना चाहते हैं? अभी आगे मौका नहीं मिलेगा, अभी आज से हमारा क्लास समाप्त हो रहा है। बहुत धन्यवाद जी, थैंक आप प्रभाव दी यू बोलिए वेरी मच, थैंक ठीक है धन्यवाद यू जी। अभी जी धन्यवाद कुछ संदेह नहीं है जी, धन्यवाद जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ धन्यवाद और कोई पूजा? ऐसे लगा पूजा, हाँ अच्छा था सर क्लास, आज जो रोबोट ने सब दिखाया तो उनका मशीन बहुत इजी लगा था, अच्छा ठीक है ठीक है धन्यवाद ठीक जी। है धन्यवाद भव्या द क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक्स फॉर द टीचिंग सर। ओके थैंक यू वेलकम। ठीक है, लगता है आप सभी को अच्छा लगा, ये मेरे लिए बड़ी खुशी है। मैंने कहा समय 1 घंटा मेरे लिए समय दिया तो 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, तो फिर भी मुझे थोड़ा सा इधर उधर टच करने का समय मिल गया है, इसीलिए तो धन्यवाद है, हम फिर मिलते हैं। ओके जी थैंक धन्यवाद यू, है, बाय बाय बाय। आपके लिए ऑल द बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन, फॉर गुड विशेस, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और आप अच्छी तरह परीक्षा लिख पाए, बेस्ट विशेस, गुड लक। ओके बाय, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो मच यू वेरी मच जी, सर थैंक यू ओके सो मच बाय बाय बाय। जी।
வரப்போறாங்களாம். ஆமா வரப்போறாங்க, வரப்போறாங்கக்கா. ஆமா ஆமா இனிமேல் தான் கிளம்புவாங்க, அது ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகும். இருந்தாதான் சொல்லி பாப்பலே, இருந்தாதான் சொல்லி பாப்பலே, ஒண்ணு சொல்லையே. இல்ல இல்ல போதும் அவ்வளவுதான். ஆறா போகுது அங்க போகல, மணி 3000.
இல்ல 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 வந்துருவாங்க வந்துருவாங்க.
Gracias.